तो आज की हमारी क्लासेस में लुकअप मेथड हम कर रहे हैं, वी लुकअप एंड लुकअप मेथड की हमारी दूसरी क्लास है। तो पहले क्लास में हमने आपके क्वेश्चन दिया था कि हमने वी लुकअप और मैच के साथ लगाया था, तो हमने बोला था कि हेडिंग जब चेंज होगा तो आपका डेटा भी उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी रखा, एंटर मारा, तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी आ गया। अगर मैं यहाँ पे डेट डालूंगा तो फिर डेट आ जाएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि डेट को यहाँ मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया, तो यहाँ पे डेट आपका दिख रहा है, लेकिन जैसे क्वांटिटी हम करेंगे तो रिजल्ट चेंज होगा, फॉर्मेटिंग तो चेंज होगा नहीं, तो मुझे वापस इसको नॉर्मल फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आ रही है, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मेटिंग होता जाए, तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे और न्यू रूल्स में जाएंगे, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला। अब जैसे कि राकेश जी ने बोला कि उन्होंने इफ लगाया, तो पहले बता दूं कि ये सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स पे चलता है, और इफ का काम क्या है, ट्रू एंड फॉल्स की रिजल्ट को कन्वर्ट करना किसी और रिजल्ट में। सो लॉजिकली यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इफ नहीं लगना चाहिए। तो क्या करें, सिंपल सा हमें क्या करना था कि फॉर्मूला में जाके बोलना था कि अगर इसका हेडिंग अगर डेट होता है तो इस पे डेट का फॉर्मेट अप्लाई हो जाए। समझ गए सर? राकेश जी? जी सर, समझ गया। अरे हमने इसको ओके कर दिया। अब इसमें क्या है, वन के आगे का डॉलर मैं नहीं डॉलर से दिक्कत है, डॉलर हटा दीजिए, और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से मैं नीचे की तरफ पेंट कर दूंगा। अब मैं यहां पे अगर डेट दे के एंटर मारता हूं, यहां पे डेट आता है, और अगर मैंने क्वांटिटी डाल दिया तो वापस क्वांटिटी, राइट? सबको समझ में आ गया? साकेत जी, जय कुमार जी और बाकी लोग, समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। चलिए, अब आगे चलते हैं। अभी जैसे आपके सामने डेटा है, और इसी डेटा को मैं कहीं और ले आता हूं, और एक छोटा सा इसमें चेंजिंग हमारा हो रहा है, मान लीजिए थोड़ा चेंजिंग है कि जो हमारी आईडी है, ये आईडी को मैंने यहां सेंटर में डाल दिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे इसका टोटल चाहिए, नेम चाहिए, या फिर इंडस्ट्री चाहिए, नेम ही चाहिए, तो वी लुकअप नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो इसमें एक्स लुकअप है, एक्स लुकअप आपके पास अगर है तो वी लुकअप की कोई जरूरत नहीं है, ना मैच की जरूरत है, ना इंडेक्स की जरूरत है, बात समझे? लेकिन आप लोगों के पास, किसी के पास ऑफिस 365 तो होगा नहीं, सो यहां पे मुझे ट्रेडिशनल ही चलना पड़ेगा। कैसे करें, यहां पे देखिए इसके कई फॉर्मूला है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा, और मैच के फॉर्मूले से मैं पता करूंगा कि जो 12 नंबर है इसका रो सीक्वेंस नंबर क्या है। ये बता दिया कि 13, मतलब कि यहाँ 13 काउंट अगर करेंगे तो यहाँ 13 पे 12 आ रहा है। अब इसके पास मेरे पास दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है इंडेक्स का। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है कि पूरा का पूरा रेंज आप दे दीजिए, और रेंज देने के बाद इसमें बताइए कि कौन सा नंबर रो, हमने बोला 12 नंबर रो और हमने बोला एक नंबर कॉलम, 12 नंबर रो नहीं, 13 नंबर ना होगा, मैच का रिजल्ट, तो आपका रिजल्ट आ गया कस्टमर 12। तो यहां पे आप जैसे डालेंगे तो अब ये वी लुकअप की तरह वर्क कर रहा है ना सर? अब इस मैच फॉर्मूले को उठाइए और इंडेक्स के अंदर डाल दीजिए।
इस मैच फॉर्मूले को इंडेक्स के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, हो गया सर? जय कुमार जी, राहुल जी, राकेश जी, संतोष जी, विक्की जी, कोई डाउट इसमें मैच इंडेक्स के फॉर्मूले में? नहीं सर। लेकिन इसमें इंडेक्स में प्रॉब्लम क्या है? इंडेक्स में प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए आपका पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना होगा। कल के डेट में डेटा अगर आगे बढ़ता है या नीचे बढ़ता है तो क्या होगा, दिक्कत होगा ना सर, मैच को इंक्रीज करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए मैच के जगह पे एक ऑफसेट का फॉर्मूला, ऑफसेट हमने इसको सिलेक्ट किया, नहीं इसको नहीं, ऑफसेट में आपको देना होता है स्टार्टिंग ऑफ द डेटा, कि आपका डेटा का स्टार्ट कहां पर है। तो स्टार्ट हमारा A1 पे है, फिर बोला होता है कि नंबर ऑफ रो कितने, रो कौन से रो में, तो ये रहा। लेकिन इसमें क्या है कि मैच की तरह एक काउंट जीरो से वन से नहीं करता, ये जीरो से करता है। अब जीरो से काउंट होने पर क्या होगा कि एक कम हो जाएगा, और इसी तरह से मुझे कॉलन है तो यहां पे जीरो कर दिया। ध्यान से देखिए ऑफसेट के फॉर्मूले को, तो ऑफसेट में भी मैच की जरूरत है, लेकिन इंडेक्स से बेटर है। इंडेक्स से बेटर क्यों है कि इसे पूरा रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग ऑफ द डेटा दे दीजिए, वो काउंटिंग शुरू कर देगा। इसलिए क्या किया, यहां से काउंट शुरू किया कि 0 1 2 3 और ए यहां पे वो 13 पे आया और जीरो यहां पे हो गया। अगर 0 1 करूंगा तो 0 1 ये फाइनेंस देगा, और 3 करूंगा तो 0 1 3 यहां पे आपको ए नॉर्थ अमेरिका देगा। तो ये सिंपल सी बात समझिए ना, जो इंडेक्स में आप रो एंड कॉलम देते हैं ना, उससे कम, एक कम मैच में देना। ओके, तो ऑफसेट मैच समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो विक्की जी, हाँ जी सर, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो आप यहां पे हम एक्स लुकअप लगाएंगे। एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू हमारा 13 है और बोलता है लुकअप एरे, किस पे लुकअप करना है, तो हमने बोला इस आईडी पे लुकअप करना है, और रिटर्न एरे क्या रिटर्न करना है, तो मुझे इसमें से रिटर्न करना है। और यहां पे देखिए इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिला तो क्या करना है, हमने बोला यहां पे कि यहां पे नॉट फाउंड कर देना। बस है, तो मैच इंडेक्स इफ एरर सबका काम करता है आपका एक्स लुकअप, समझ गया सर एक्स लुकअप को? ये आपका रिटर्न देना है, किस कॉलम में मैच करना है वो दे दीजिए, किस कॉलम का रिजल्ट चाहिए वो दीजिए, अगर रिजल्ट ना मिला तो क्या चाहिए, और यहाँ पे मैच मोड सर्च मोड भी है, ये हम आपको आगे बताएंगे एक्स लुकअप की क्लास में। फिलहाल मैंने समझा दिया कि इसको एक्स लुकअप से भी किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि अगर मेरा डेटा जो है हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली हो, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली हो गया इस तरह से, पेस्ट स्पेशल ट्रांसफॉर्म। अब मान लीजिए मुझे 7 नंबर का चाहिए, तो यहां पे एच लुकअप चलेगा, एच लुकअप इसको सेलेक्ट कर दिया हमने, कॉमा टेबल एरे हमने सिलेक्ट कर लिया इसको, और हमने बोला मुझे चाहिए क्वांटिटी मतलब चौथे नंबर रो का। तो यहाँ पे हमने एच लुकअप से लगा लिया, तो वी लुकअप वर्टिकली काम करता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल के लिए काम करता है, समझ गए सर?
राहुल जी आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप के ट्रिक्स। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर मेरे पास अगर दो क्राइटेरिया हो, जी हाँ दो क्राइटेरिया हो तो कैसे लुकअप करें, क्योंकि वी लुकअप में हमारे पास एक लुकअप वैल्यू थी, एक क्राइटेरिया थी तो हमने उसको लुकअप कर लिया था, बट यहाँ मेरे पास दो क्राइटेरिया है। जैसे मुझे नीरज का चाहिए लेकिन दिल्ली सिटी के में चाहिए, तो कैसे करें। तो हालांकि वी लुकअप में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसको आप कर सकें, इसके लिए आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, एक ट्रिक्स अपनाना है, मुझे एक यूनिक आईडी क्रिएट करना होगा। अब यूनिक आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। जी हाँ, वी हैव मर्ज द बोथ ऑफ क्राइटेरिया, यहाँ हमने मर्ज कर दिया। मर्ज हमने कॉन्केटेनेट लगा के किया, एंड पर सिंगल साइन भी कॉन्केटेनेट ही होता है ना, और फिर इसको नीचे तक मैं डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे ज्वाइन हो गया। फिर मुझे यहाँ क्वांटिटी चाहिए तो यहाँ पे मैं वापस वी लुकअप लगाऊंगा लुकअप वैल्यू में, और यहाँ पे मैं सिंगल कोट दिया और वापस ये दिया। जैसे हमने यहाँ पे मर्ज किया था ऐसे यहाँ भी लुकअप वैल्यू को मर्ज करना होगा, मतलब कि ज्वाइन करना होगा कॉन्केटेनेट से। उसके बाद आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए एंड कॉमा 1 2 3 4 4 दे दिया कॉमा। समझे कि नहीं सर? Yes, sir. Doubt is में? नहीं। ऐसे तीन क्राइटेरिया हो, चार क्राइटेरिया हो तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। और एक्स लुकअप में मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन अब यहां एक चीज और आती है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दिक्कत होती है। मैं यहाँ पे एक छोटा डेटा उठाता हूँ दूसरी एग्जाम्पल के लिए, इसी में मान लीजिए नाम है, तो मेरा नाम कभी कभी सुजीत कुमार होता है या फिर कभी कभी सिर्फ सुजीत होता है या कभी सुजीत कुमार सिंह होता है। तो अगर मान लीजिए मैं सुजीत कुमार से अगर लुकअप करता हूँ, वी लुकअप लगाता हूँ, तो वी लुकअप लगाते समय क्या होगा, मैं लगाया कॉमा 3 0, यहाँ पे 13 दिख गया आपको सर, ठीक है। लेकिन अगर डेटा में अगर सुजीत हुआ तो, या फिर डेटा में सुजीत कुमार है बट यहां मैंने सुजीत लिख दिया तो डेटा मैच नहीं करेगा। तो इसको क्या करना है, इसको आगे पीछे हम स्टार लगा दीजिए, एक कंटेंड होता है। तो अब सुजीत हो या सुजीत कुमार हो या सुजीत कुमार सिंह हो, दोनों केसेस में ये आपको यहां पे दिखेगा, दोनों केसेस पे दिखेगा, राइट। समझ गया सर? राहुल जी एक और चीज होती है, हेलो बोल रहे सर, जैसे नाम हो गया, जैसे आपने बोला कि सुजीत कुमार, ये अगर नाम दो बार हो और उसकी वैल्यू अलग हो तो फिर वहां पे वी लुकअप काम करेगा सर? नहीं देखिए, इसके अकॉर्डिंग चलेगा, पर इस कॉलम में देखेगा और कंटेन करेगा, मतलब एक कंट्रोल एफ पे काम करेगा। सुजीत आप करते हैं ना, तो जाकर देखिएगा सीधे यहाँ एक कंट्रोल एफ की तरह काम करते, समझे, इसकी वैल्यू ये यहां से उठा के दे देगा। इसी में अगर मैं स्टार लगा के सुजीत कर दूं तो अब क्या होगा कि ए एंड विथ चलेगा, मतलब कि लास्ट में सुजीत होना चाहिए, सुजीत कुमार नहीं होगा, हाँ
अब एक कुमार सुजीत हुआ तो लुकअप कर लेगा। अगर मैंने यहाँ पे सुजीत स्टार लगाया और सुजीत यहाँ पे सुजीत लिखे फिर स्टार किया तो क्या होगा, अब क्या होगा, ये हो जाता है स्टार्ट विद, मतलब कि स्टार्टिंग में सुजीत होना चाहिए, कुमार सुजीत लुकअप नहीं करेगा, अब ये सुजीत कुमार, सुजीत के बाद चाहे जो भी हो उसको लेना देना नहीं। ये आपका कंटेंट होता है, ये आपका स्टार्ट विद होता है, ये आपका एंड विद होता है, क्लियर है। अब इसमें एक चीज और आता है कि मैंने यहाँ पे दो डिजिट डाल दिया तो यहाँ पे लुकअप क्या करेगा, देखिए 83 लुकअप किया, मतलब लुकअप करेगा, मतलब कि हमें नहीं पता कि वैल्यू क्या है लेकिन हमें इतना पता है कि दो डिजिट का है। ओके सर, हमें जस्ट इतना पता है कि वो डिजिट का है, तो दो क्वेश्चन मार्क, जितने डिजिट उतने क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, वो आपको लुकअप कर देगा। कोई डाउट इसमें, जय कुमार जी? सर दो डिजिट और भी है तो जितना डिजिट उतना क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क जो ओम को दिया ना, ओम दो है, मैं तीन कर दूंगा तो देगा, हम यहाँ पे देखे तीन कर दिया, ये आपका देव का देगा 49। हाँ ठीक है सर, समझ गया। तो ये हमारे लाइक कमांड होते हैं, तो यहाँ पे आपने सीखा कि कैसे दो या दो से ज्यादा क्राइटेरिया को मर्ज करके हम डेटा को लुकअप कर सकते हैं। दूसरा आपने सीखा कि अगर नाम हमारा मतलब कि नहीं, इसको बोलते फुल नेम, मतलब पूरा फुल नेम नहीं है हमारा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के अकॉर्डिंग चलना है तो इसका दे सकते हैं, दिल्ली में न्यू दिल्ली, दिल्ली हो गया, सिटी में होता है ना कहीं पे न्यू दिल्ली लिखा होता है कहीं पे दिल्ली लिखा होता है, उसी तरीके से मुंबई नवी मुंबई है तो दोनों एक ही ना, मुंबई के अंदर में आएगा ना, मुंबई टेरिटरी के अंदर आएगा, मुंबई नवी मुंबई इसका यूज कर सकते हैं। ऐसी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब एक ही है, अमेरिका ही है, तो ऐसे वर्ड पे आप इसका यूज कर सकते हो। कोई डाउट तो नहीं है सर? सर मेरे को एक चीज जाननी थी, जैसे नाम है ना पूजा, पूजा दो बार आ गया और उसका सिटी पुणे भी आ रहा है और नोएडा भी आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ बताएं वो आपको आगे बताएंगे, आप ये बोलते हैं ना कि मल्टीपल लुकअप की बात कर रहे हैं ना कि पूजा का सारा उठ के आ जाए, ये बोलना चाह रहे हैं ना सर, तो उसके लिए वी लुकअप तो है ही, वी लुकअप लिस्टिंग का मेथड हम लोग यूज करते हैं, वो हम आपको आगे क्लास में बताएंगे, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे अगर 2013 है या फिर 2019 है तो आपके पास एक फिल्टर का भी फॉर्मूला होता है जो कि बिल्कुल सिंपल है। फिल्टर, फिल्टर में आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए सिंपल सा, और क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लीजिए क्या इंक्लूड करना है, बोला यहाँ पे उठा के कि इसमें इक्वल टू पूजा होना चाहिए, हैंग हो गया सर, तो पूरा डेटा आ जाएगा, लेकिन इसको करने के लिए हम लोग वी लुकअप लिस्टिंग का यूज करते हैं जो कि हम आगे क्लास में आपको सिखाएंगे। सर पूजा का डेटा पूरा जगह जगह पे, मैं यहाँ पे ओम करूं तो ओम का पूरा आ जाएगा, मैं देव करूं तो देव का पूरा आ जाएगा, ये सेम फीचर्स हम यूज करेंगे इसमें वी लुकअप लिस्टिंग मेथड में जो कि मैं आगे क्लासेस में आपको समझाऊंगा। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ मल्टी शीट वी लुकअप की, वी लुकअप के ट्रिक्स में हम बात कर रहे हैं मल्टी शीट वी लुकअप की। मल्टी शीट वी लुकअप की मदद से हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर
मल्टीपल्स कॉलम्स को लुकअप करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक फाइल है, उसमें तीन अलग अलग सीट पे डेटा है, मतलब कि कुछ डेटा इस पे है, कुछ डेटा इस पे है, कुछ डेटा इस पे है। मुझे इसके यूनिक कस्टमर्स के अकॉर्डिंग पूरी रिकॉर्ड चाहिए। अब कस्टमर वन हो सकता है सीट वन में हो, ये हो सकता है सीट टू में हो, ये हो सकता है सीट थ्री में हो, तो ये मिक्सअप है। तो अब मुझे इसको लुकअप करना है। तो वी, अब यहाँ पे क्या है कि वी लुकअप किसी भी कंडीशन में मल्टीपल सीट्स को लुकअप नहीं कर सकता, मल्टीपल सीट को नहीं कर सकता। एक वी लुकअप सिर्फ एक के साथ ही करता है, एक जगह, राइट। इसके लिए हम ट्रिक्स थोड़ा सी ट्रिक्स अपनाएं। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम एक VLOOKUP लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और डेटा वन में जाके हम सिलेक्ट कर दिया और हमने बोला कि कॉमा टू कॉमा थ्री, लुकअप से आ जाएगा। अगर लीजिए आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एन आया, क्योंकि ये दूसरे सीट में था। तो अगेन मैं वी लुकअप लगाता हूँ, उसको सिलेक्ट करता हूँ और दूसरे सीट में जाता हूँ, कॉमा टू कॉमा जीरो, यहाँ आ जाता है, बट ये तीसरा नहीं है, तो इस तरह से। तो हम क्या करेंगे कि एक ही सेल में दोनों VLOOKUP लगाएंगे, ऐसे। तो उसके लिए हम यहाँ if error का यूज करेंगे। if error हम देंगे VLOOKUP, VLOOKUP में हम सिलेक्ट करेंगे इसको lookup value को और हम पहले एक डेटा में जाके VLOOKUP लगा देते हैं, comma अगेन हम VLOOKUP लगाएंगे और हम सिलेक्ट कर लेंगे दूसरे शीट को और दूसरे शीट में हम, गलत हो गया, दोबारा बताता हूँ। इफ एरर, हमने इसको सिलेक्ट किया और पहले शीट में गए और हमने VLOOKUP लगा दिया, कॉमा टू कॉमा जीरो, ओके। फिर हमने फिर दूसरा VLOOKUP लगाया और दूसरे VLOOKUP में ये थ्री सेलेक्ट कर रहा हूं और हम दूसरे सीट से दूसरा VLOOKUP लगाएंगे, कॉमा टू कॉमा, तीसरा नहीं लगा सकते क्योंकि इफ एरर दो ऑप्शन ही होते हैं। तो नीचे ड्रैग करेंगे तो सीट डेटा वन एंड डेटा टू का वो यहाँ पे आपको दिखा दी। तो क्या हुआ कि इफ एरर ने देखा कि यहाँ पे इस पे देखिए, इस पे देखिए, इसको मैं फॉर्मूला में जाके फॉर्मूला एबलेट करता हूँ, समझ में। तो पहला VLOOKUP हमारा चला, तो पहले VLOOKUP ने रिजल्ट दे दिया और दूसरे ने पहले रिजल्ट दे दिया तो दूसरा उसको चलाने की जरूरत नहीं, उसे दूसरा को चलाया ही नहीं और रिजल्ट आपके सामने आया। तो इस तरह के काम क्या है कि इसके अंदर दो फॉर्मूले आप डाल सकते हो, अगर एक फॉर्मूले ने रिजल्ट दे दिया तो शो कर देगा, अगर एक फॉर्मूले ने रिजल्ट नहीं दिया तो फिर वो अगले फॉर्मूले को चलाए, जैसे कि यहाँ पे इसने किया है। यहाँ पे इसने एक VLOOKUP चला और मिल गया एरर, फिर इसने दूसरा VLOOKUP चलाया और दूसरा VLOOKUP ने दिया रिजल्ट, तो एक एरर है एक रिजल्ट है। तो पहला अगर एरर दिया तो दूसरा वो शो कर। अब क्वेश्चन आता है कि तीसरा कैसे होगा, तो हमें यहां पे एक और इफ एरर इस्तेमाल करना होगा और इस इफ एरर के पहले पार्ट में दूसरे पहले वाला इफ एरर आ जाएगा और हमने कॉमा करके VLOOKUP में A3 एंड कॉमा शीट से हमने लुकअप कर दिया, ये हमारा। अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए तो तीनों सीट से डेटा निकाल के आपको दे। अब
बाकी इसी तरह से आगे के सेल्स में भी लगाया जा सकता है। तो राकेश जी एंड बाकी लोग, आपको मल्टी शीट वी लुकअप का कंसेप्ट समझ में आया? मल्टी शीट वी लुकअप का कंसेप्ट समझ में आया? जी जी सर। डाउट तो नहीं है? नहीं सर। सर अगर ये दोनों शीटों पे सेम कस्टमर होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा क्या? हाँ, दोनों सेम कस्टमर होगा तो पहले ही उठा लेगा ना वो। ठीक है जी। सर इसमें एक चीज बताइए, इसमें दो बार इफ एरर लगाए, एक बार इफ एरर से तीन भी लुकअप नहीं लगा सकते थे? नहीं, एक इफ एरर में दो ही होते हैं। अच्छा, लिमिटेशन है। ठीक है, इसमें अगर हमारे फर्स्ट डेट D1 में भी उसको रिजल्ट मिल जाता है और D2 में, मतलब अगर रिजल्ट मिल जाता है तो नेक्स्ट वाले का एपियर नहीं होता, बट अगर उसमें कॉमन है, D2 में भी रिजल्ट है और D3 में रिजल्ट है, वो तीनों को ऐड नहीं कर पाए कर सकते। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? सर लाइक इसमें क्वांटिटी और क्वांटिटी है तो D1 में भी रिजल्ट है क्वांटिटी कस्टमर 141 के लिए, D2 में भी रिजल्ट है, तो पहले दिखाया है सर। तो तीनों को काउंट करना है, काउंट और सम। काउंट करने के लिए तो फिर अलग फॉर्मूला लगेगा ना, वो अलग केसेस है सर, क्योंकि यहाँ पर हम लुकअप कर रहे हैं ना। लुकअप के साथ साथ में काउंट भी, क्योंकि क्वांटिटी पे जब हम आएंगे तो वो तो तीन सीटों उसके लिए वो काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा प्लस करके, वो आगे क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, इसका काम लुकअप करना है तो ये लुकअप करके दिखाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। मल्टीशीट वी लुकअप समझ में आ गया आप लोग? तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वी लुकअप में लिस्टिंग मेथड। हालांकि वी लुकअप जो है लिस्टिंग नाम का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एक मेथड है जो कि हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि 2365 और 2019 में इसकी जरूरत नहीं है, बट इससे लोअर वर्जन की जरूरत पड़ जाती है। क्यों, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि पूजा मेरा कई बार रिपीटेड है, पूजा आप देख रहे हैं कई बार रिपीटेड है, तो अगर आप वी लुकअप लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि 2015 का डेटा दे दे, तो आपको सबसे पहला जो डेटा है वो आ जाता है, इसके बाद बाकी जो डेटा है वो आपको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वी लुकअप लीनियर लुकअप करता है, जो पहली लुकअप है वही दिखाता है। तो मुझे इसकी सारी डेटा कॉमा के साथ सेपरेट चाहिए, 61 कॉमा के नीचे पूजा आ गया 13 कॉमा, फिर इसके नीचे पूजा है 48, इस तरह से चाहिए। हालांकि 2000 में नॉर्मल पॉसिबल है, बट उससे लोअर वर्जन के लिए वीवीए प्रोग्रामिंग यूज की जाती है।
तो कैसे करेंगे 2019 and 365 में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट ज्वाइन, इसमें हमने दे दिया कि भाई मुझे कॉमा डिलीमिटर चाहिए, इग्नोर करना है ब्लैंक सेल को, जी हाँ। उसके बाद हमें यहाँ जस्ट एक इफ कंडीशन लगाना है कि इफ हमने पूरा रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया, अगर ए इक्वल टू पूजा है तो इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट देंगे यहाँ, नहीं तो ब्लैंक, और बस रिजल्ट आपके सामने। इसको फिल्टर करता हूं मान लीजिए, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं रिजल्ट को, दे रहा 13, 48, 54 दिख रहा है आपको, समझ में आया राकेश जी और बाकी लोग, फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि फॉर्मूला आप देख सके। टेक्स्ट ज्वाइन, ये फॉर्मूला का नाम है टेक्स्ट ज्वाइन, मैं कॉलम की विड्थ को कम कर देता हूं। मैं इस फॉर्मूले को दोबारा जूम करके दिखाता हूं। टेक्स्ट ज्वाइन क्या करता है कि ज्वाइन करता है, इसको एवलेट करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे वर्क कर रहा है। तो फॉर्मूला में आता हूं, एवलेट फॉर्मूला, और यहां देखिए टेक्स्ट ज्वाइन, यहां पर आपको दिख रहा है क्या कर रहा है, पहले इसने क्या किया, मैच किया कि कहां कहां पूजा है, जहां जहां पूजा है वहां वहां उसने ट्रू कर दिया, और इसने जहां जहां ट्रू था वहां वहां उसके रिजल्ट दे दिए, बाद बाकी जगह पे ब्लैंक दे दिया। अब टेक्स्ट ज्वाइन क्या करता है कि मल्टीपल डेटा को ज्वाइन करता है, लेकिन इसमें ऑप्शन होता है कि क्या ब्लैंक सेल को इग्नोर करना है, अगर ब्लैंक सेल को इग्नोर करना है तो इसलिए मैं ट्रू दिया, तो इसने नंबर्स को ज्वाइन कर दिया लेकिन ब्लैंक को इग्नोर कर दिया। क्लियर है, किसी को डाउट इस पे? विक्की जी, संतोष जी, राकेश जी, राहुल जी, कोई डाउट? नहीं सर, आगे बढ़े। हाँ जी सर, लेकिन मुझे यहाँ पे इस तरह से नहीं चाहिए डेटा, मुझे यहाँ से फिल्टर टाइप का डेटा चाहिए। जैसे हम लोग फिल्टर, यहाँ पे हम लोग फिल्टर लगाते हैं, यहाँ जाते हैं और पूजा को सेलेक्ट करके ओके किए, तो यहाँ देखिए पूजा का पूरा डेटा आ जा रहा है फिल्टर फॉर्मेट में, कितने 39, मुझे इस तरह का चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 2016 है, सॉरी 2019 है, तो इसके लिए आपके पास फिल्टर का फॉर्मूला है। फिल्टर, आपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया और फिर आपको क्या चाहिए, इंक्लूड क्या करना है, तो हमने बोला कि ए जो है नाम, हम यहां से नाम नेम जो है इक्वल टू पूजा होना चाहिए। आ गया डेटा पूरा? अब पूजा के जगह पे मैं कोई भी नाम, एक मैं छोटा करता हूँ, हाँ पूरा आ गया। पूजा के जगह पे मान लीजिए मैं कर देता ओम, तो एंटर मारते यहाँ ओम कर पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। हेडिंग नहीं आ रहा है तो हेडिंग आप रख दीजिए, क्या दिक्कत, कॉपी करके रख दीजिए हेडिंग एक। कॉपी किया और यहां पे, ठीक है, लेकिन हमने इसे फॉर्मूला क्या लगाया एक बार देख लीजिए, हमने फॉर्मूला इसमें फिल्टर का लगाया, फिल्टर का फॉर्मूला ऑफिस 365 और 2019 में, इसमें हमने क्या किया पूरे डेटा को सिलेक्ट किया और बोला मुझे क्या चाहिए, तो हमने जिस कॉलम में उस कॉलम का पूरा रेंज ले लीजिए और जिसको मैच करना है वो मैच, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। लेकिन मुझे इसका ऐसा चाहिए कि सब में यूज कर सके। चलिए, तो अब बताते हैं वी लुकअप लिस्टिंग मेथड के बारे में।
ठीक है। यहां पे हमने सीरियल नंबर ऐड किया और सबसे पहले तो मैंने यहां काउंट किया कि पूजा काउंट इफ की मदद से कि पूजा इसके अंदर है कितना। थर्टी नाइन टाइम फिर मैंने यहां पे वन लिखा और हमने कंडीशन दिया कि इफ अगर ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करने पे अगर ग्रेटर देन है 39 से तो ब्लाइंड हो नहीं तो इसमें प्लस वन करें इसमें प्लस करें आई थ्री में नहीं इसमें प्लस करें। इसको आगे नीचे ड्रैग करना है तो मैं आई थ्री को यहाँ आई थ्री जो हमारा है इस आई थ्री को फ्रीज करना होगा और इसमें हमें इफ एरर का मेथड लगाना होगा इफ इसको सिलेक्ट करके कॉमा ब्लैंक हमने कर और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब कितना ड्रैग करेंगे तो एक अनुमान रख लीजिए कि मेरा डेटा इतना हो सकता है। अब डेटा कैसे आएगा तो इसके लिए आपको डेटा के अंदर एक ब्लैंक कॉलन इंसर्ट करना होगा जिसमें हमें यूनिक आईडी क्रिएट करना है। तो यहां हमारे पास काउंट इफ का फॉर्मूला है। काउंट इफ का फॉर्मूला क्या करता है कि किसी एक पर्टिकुलर रो में कॉलो एंड कॉलम में काउंट कौन सा वैल्यू कितना बार रिपीट है। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका एक जैक जैसे पहला पूजा में भी 39 आया और दूसरे पूजा में भी 39 आया लेकिन मुझे इसको कुछ उल्टा करना था। मुझे करना था कि भाई पहले पूजा पे 1 आए दूसरे पूजा पे 2 आए और तीसरे पूजा पे 3 आए इस तरह सिक्वेंस नंबर। आपको याद होगा हमने इस कंडीशन की क्लास में शॉर्टिंग करके चीज समझाया था। देखिए मैं यहाँ शॉर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि डेटा मेरा इंसर्ट इंसर्ट होते रहता है तो यहाँ हम काउंट इफ का ही मेथड लेंगे। लेकिन कैसे तो थोड़ा सा तिग्रन करें काउंट इफ में B2 से B2 ले लिया एंड कॉमा B2 ले लिया। देखिए ध्यान से काउंट इफ B2 से B2 कॉमा B2 लेकिन नीचे ड्रैग करने से पहले पहले वाले B2 को फ्रीज कर देंगे ताकि जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा जब मैंने मान लीजिए नीचे ड्रैग किया तो यहाँ आपको 2 मिल रहा है तो ये काउंट इफ क्या कर रहा है कि अपने से ऊपर वाले वैल्यू को ही काउंट कर रहा है नीचे वाले वैल्यू को काउंट नहीं कर रहा है इसलिए हमने B2 को फ्रीज किया। तो इसमें हुआ क्या कि ये हमने B2 से B2 लिया यहाँ से B2 से B3 हो गया यहाँ B4 हो गया यहाँ B5 हो गया जब हमने ड्रैग किया क्योंकि हमने इसको फ्रीज नहीं किया था अब्सोल्यूट नहीं किया। क्लियर है कोई डाउट इसमें? तो इससे क्या हुआ कि जितने भी आपके नेम है उसका सीक्वेंस आ गया। अगर मैं इसको फिल्टर करके दिखाऊं आपको तो आप देखेंगे इसे अमर को ही देख लीजिए तो इसने 1 2 3 4 5 इस तरह से दिखा। लेकिन अब भी मेरा यूनिक आईडी नहीं बना क्योंकि 1 तो कई बार रिपीटेड है तो इसके साथ हम डैश लगा हालांकि डैश लगाना जरूरी नहीं है डैश के साथ कॉन्क्रेट कर दिया इसके नेम को तो 1-2-2 डैश इसे लगा ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके आप देख सकते इसलिए वरना डैश लगाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास यहां आ गया तब यहां भी हम सेम करेंगे कि वी लुकअप और हमने नंबर के साथ डैश लगाया और उस डैश के साथ हमने नेम को सिलेक्ट किया और डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब यहां अलग अलग फील्ड्स हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक 1 2 3 लिखने के बजाय हम मैच लगा देंगे तो मैच लुकअप वैल्यू कहां लुकअप करना है तो 1 by 1 में जीरो। हो गया। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले हम सबसे पहले J2 को फ्रीज कर देंगे
अपने इस थीटा को फ्रीज कर देंगे, इसको भी फ्रीज करेंगे, K5 का जस्ट 5 को फ्रीज करेंगे और एरर आने के चांसेस है नीचे ब्लैंक जहां है वहां पे, तो इस एरर लगा आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट तो आया लेकिन इसने यहाँ एरर क्यों दे दिया? ओ हाँ, एक छोटी सी गलती हो गई कि यहाँ J6 का J फ्रीज हो गया। सही है, रिजल्ट आपके सामने। डेटा काफी बड़ा हो गया। पूजा के बाद मैं यहाँ पे ओम करता हूँ। देखिए ओम का डेटा आ गया, ये इसकी 38 है। यहाँ उदय कर देता हूँ, उदय का डेटा से अभी 38 है। तो कुछ डेटा मैं नया डाल देता हूँ उसमें, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ जी। अब मैं यहाँ पे सुजीत करता हूँ, सुजीत का रिकॉर्ड आ गया। समझ में आया आप लोगों की नहीं सर? राहुल जी, राकेश जी, संतोष जी, विक्की जी, कुडाओ जी, नहीं ठीक है सर। अब इसमें अगला ऑप्शन है कि टोटल ऐड करना। मैं यहाँ पे टोटल ऐड करना चाहता हूँ, टोटल ऐड करना, जैसे यहाँ हुआ ना, टोटल ऐड करना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना है, जस्ट कंडीशन देना है कि इफ ऊपर वाली यहाँ पे इफ कंडीशन ऐड कर रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू ये जो है अगर बराबर है किससे, हमारे काउंट से, तो यहां पे टोटल आ जाए, नहीं तो जो चल रहा है उसको चलने दे। और नीचे ड्रैग करने से पहले J3 को फ्रीज कर देता हूं और इसको भी फ्रीज कर देता हूं। ये काम हम जस्ट सीरियल नंबर में करेंगे। इससे क्या होगा कि लास्ट में टोटल आएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं पूजा करता हूँ, देखिए पूजा का यहाँ 39 नंबर पे टोटल आए क्या? अब मैं यहाँ पे उदय लिखता हूँ, उदय का क्या है 37 नंबर पे टोटल है, और सुजीत करता हूँ तो सुजीत का 6 नंबर। टोटल आने से नहीं होगा, इसमें सम भी तो चाहिए, तो सब मुझे यहां से करना है ना। यहां पे आता हूं, यहां एक कंडीशन ऐड करूंगा कि इफ अगर सीरियल नंबर इक्वल टू टोटल है तो क्या करें, सम, सम में हमने एक B6 कर दिया। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले मुझे J7 का J फ्रीज करना होगा और L6 को फ्रीज करना हो, L6 का 6 फ्रीज करना होगा, L बाकी चेंज होना चाहिए, और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग और नीचे की तरफ ड्रैग। यहां टोटल आ गया। मुझे इसमें है कि नहीं, मेरा जितना डेटा है मेरा उतना ही बॉर्डर लगना चाहिए, जितना डेटा है उतना ही बॉर्डर लगना चाहिए। तो हमने यहां पे कुछ नहीं किया, न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला पे आ गया, यूज फॉर्मूला पे, और कंडीशन दिया कि अगर ए नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, J6 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और इसमें हम डॉलर साइन हटा देते तो क्या हो जाए, तो फॉर्मेट के बॉर्डर में जाएं और एक ऑल बॉर्डर यहां से अप्लाई हो एंड ओके। और फिर हम इस फॉर्मेट टेम्पलेट को लेके जितना बड़ा डेटा हमारा है उतने बड़ा डेटा में इसको डाल, अब यहां पे देता हूं पूजा।
लगातार जितना है उतना है। अब टोटल को मैं थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ, जी हाँ टोटल को बोल्ड करना चाहता हूँ। तो यहां हमने लगाया है ना कंडीशन मल्टी, अब न्यू रूल्स पे आता हूं यूज फॉर्मूला। हमने बोला कि अगर a इक्वल टू टोटल है तो इसमें सिक्स को अनफ्रीज कर दीजिए, लेकिन j को रहने दीजिए क्योंकि टोटल हमारा j कॉलम नहीं होगा। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया और हमने फॉन्ट में क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, और बॉर्डर में मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा कुछ और हो जाए, अंडरलाइन फॉन्ट में अंडरलाइन करना चाहता हूं, अंडरलाइन अंडरलाइन यहां से अंडरलाइन सिंगल डबल अंडरलाइन करना चाहता हूं। ओके, और कलर चेंज करना चाहते हो फॉन्ट की तो यहां से फॉन्ट की कलर भी चेंज कर सकते हो कि एक इस तरह के फॉन्ट में आए। ओके एंड ओके, अब इसको हमें फॉर्मेट प्रिंटर से जहां तक हो सके वहां तक प्रिंट कर दिया। नीचे आ गया, अब मैं यहां पे सुजीत लिखता हूं, छोटा दिखेगा आपको, ठीक है सर? डाउट इसमें? हेलो, नहीं सर। फाइल चाहिए होगा? जी भेज दीजिए। ठीक है, संतोष चौहान। हाँ जी, गोयल सर, इसमें भी आप ना ग्रुप बना सकते हैं मेल में, जब आप वो ग्रुप डालेंगे तो सारी मेल आईडी अपने आप आ जाएंगी। गूगल जो है ना, ये है क्या, वो समझदार है, ले लेता अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम अगली क्लास से मिलेंगे। ओके, अभी का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, अगली क्लास में हम बात करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूले। सर बोलिए। सर वो मतलब संडे वाले क्लासेस में मैं अटेंड नहीं हुआ था, मैंने डाल दिया है यूट्यूब, मैंने इस पे चले जाइए क्या बोलते हैं यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे ग्रेट प्रोजेक्ट करके आए। ठीक है सर, सर आज वाली क्लास भी कर देंगे क्या? मैं आप कर देता हूँ। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेल फॉर्मूला, और एक्सेल फॉर्मूला में आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में, मैथमेटिकल एंड त्रिकोणमितीय फॉर्मूले की कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमने हमने अभी तक जो है लॉजिकल टेक्स्ट डेट एंड टाइम एंड लुकर रेफरेंसेस को कंप्लीट किया है, अब हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल एंड त्रिकोणमितीय फॉर्मूले। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूले मैथमेटिक के अकॉर्डिंग है, मैथमेटिक के रिलेटेड है, तो वो हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। जो फॉर्मूला रिपोर्ट ऑटोमेशन के लिए है, उन फॉर्मूले पे हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आता है एबीएस का। अब चलिए हम बात करते हैं कि एबीएस का फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं, मुझे इनका सम करना है, और जाहिर सी बात आप समझते हैं कि जब भी हम इसको सम करेंगे तो जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो माइनस हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर ही प्लस होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर एक साथ आएंगे तो आएंगे ही क्यों? तो इसका क्वेश्चन ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो स्टेटमेंट होती है या फिर जो भी हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें दो तरह की इनकम होती है, एक तो होता है जो हमें प्रॉफिट होता है, दूसरा जो हमें डिस्काउंट होता है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 रुपए आपकी सैलरी है,
और 5,000 रुपए आपको क्रेडिट कार्ड से कैशबैक मिला, तो इस महीने की इनकम आपकी 25,000 होगी, क्योंकि कैशबैक जो मिला इट्स योर इनकम। तो जो कैशबैक मिलेगा वो तो माइनस नहीं आएगा ना, क्योंकि आपके लिए इनकम है लेकिन कंपनी के लिए डिडक्शन है। जब उस स्टेटमेंट को एक साथ करोगे तो इस तरह की चीज हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है। तो कैसे करें, तो हम यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही कैसे रखना है। तो हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे +125 आप यहाँ देख रहे हैं, सॉरी -125। तो एक तरीका और भी है कि मैं माइनस में इसको सेलेक्ट करूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट प्लस माइनस तो माइनस होगा। So, मुझे माइनस को माइनस में रखना है, माइनस को प्लस में रखना है, बट प्लस प्लस भी रहे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए बट पॉजिटिव पॉजिटिव ही रखे। तो उस केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला एबीएस का, एबीएस हम इसको सिलेक्ट करेंगे जो होगा एब्सोल्यूट रेफरेंस, एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने नीचे दिख रहा होगा। तो नेगेटिव हमारा पॉजिटिव में हो गया और पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव ही रहा, हम सम कर सकते। एबीएस फॉर्मूला का यूज हम कई सारे जगहों पे करते हैं और जहां पे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। एबीएस के बाद अगला वैल्यू आता है हमारे पास, वो आता है एग्रीगेट का फॉर्मूला। एग्रीगेट और सब टोटल दोनों एक साथ पढ़ना होगा क्योंकि दोनों सिमिलर फॉर्मूला है और इसके लिए हमें चाहिए होगा डेटा। तो चलिए हम डेटा पे चलते हैं, एक छोटा सा डेटा लेते हैं। अच्छा आप लोगों को मैं वीलोकप का प्रोजेक्ट दिया था, क्या हुआ इसका? हेलो जय कुमार जी, राहुल जी, प्रोजेक्ट आपने नहीं किया ना? नहीं किया सर, मैं करना चाहिए था ना आपको। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डेटा ऐड कर देते, ट्राई भी नहीं किया हुआ ना? नहीं। हमें बहुत एनर्जी मिलेगी सिखाने के लिए आपको। तो हमारे पास देखिए तो डेटा आपको सामने दिख रहा है, ये रहा। अब मान लीजिए कि मुझे यहां पे इसका टोटल चाहिए, सम हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे टोटल लिख रहा है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया पूजा का टोटल किया या अमर को टोटल कर रहा हूं, अमर को टोटल किया। तो यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको अमर का टोटल नहीं ओवरऑल टोटल दिख रहा है, क्यों? क्योंकि तो सम विजुअल विजुअल और आउटपुट नहीं समझता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सब टोटल, सब टोटल को लेंगे और हम इसमें, अब सब टोटल में हम सम ही नहीं कर सकते, इसमें सम काउंट मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सब कुछ है इसमें। तो यहाँ सम 9th को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे फायदा ये हो गया सब टोटल से कि अब मैं यहाँ सैलरी को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए दिल्ली का ही टोटल आएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि अगर एनए हुआ, मतलब कि कोई एरर हुआ तो फॉर्मूला एरर देगा। सिर्फ इसी में नहीं, अगर मान लीजिए कि कुछ कुछ कम सम करना चाहते, कुछ नंबर्स हैं और मुझे इसको सम करना है, क्योंकि भी इस तरह का डीआईवी एरर आ जाता है, सम करना है तो सम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी फॉर्मूले की इनपुट में अगर एरर है तो आउटपुट एरर ही आएगा। यहाँ पे हमारा एग्रीगेट फॉर्मूला वर्क करता है बिल्कुल सम टोटल की तरह, सब टोटल की तरह। 9 को ले लिया सम करने के लिए। अब इग्नोर, इग्नोर क्या करना है? तो अगर सिर्फ एरर को इग्नोर करना है तो यहाँ पे एरर वैल्यू कर दो, इससे क्या होगा सिर्फ एरर ही इग्नोर हो।
लेकिन अभी जो आपने सब टोटल लगाया जिसमें फिल्टर डेटा में से जो फिल्टर दिख रहा है उसी का टोटल निकालना है, तो उस केस में इग्नोर एरर यहाँ पे देखिए इग्नोर आपका इग्नोर हिडन एंड एरर वैल्यू कर दीजिए। सेवन नंबर और फिर अपना रेफरेंस नंबर, तो जहां पे एरर है वहां पे सब टोटल की जगह पे आप एग्रीगेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सब टोटल की जगह पे एग्रीगेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें दोनों चीजें यूज नहीं हो सकती आप, हिडन जैसे इसमें हम देख रहे थे हिडन के लिए भी और साथ में एरर के लिए जो हिडन वैल्यू है इसी के लिए तो यूज किया हमने। हमने सेवन नंबर दिया है ना, यहाँ पे सेवन नंबर में वही था ना आपका एरर, सेवन नंबर तो सर एरर के लिए है और क्या करना चाहते हैं से नंबर हिडन एरर वैल्यू है, मतलब जो कोई सेल इसमें हिडन हो तो उसका टोटल ना आए, सब टोटल आए मतलब भाई। अगर मैंने फिल्टर किया हुआ है लाइक ये कॉलम है इसमें फिल्टर किया हुआ है, कुछ सडन चार वैल्यू ही फिल्टर आउट है और चार एक एरर है और तब मैं इसको एग्रीगेट करना चाह रहा हूँ। तो सेवन में लेंगे ना आपका ये हिडन और एरर दोनों लेगा। ओके ठीक है, ओके सर ठीक है, चले आगे बढ़े। एग्रीगेट और सब टोटल के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक अरेबिक फॉर्मूला है, तो जैसे कि आप नंबर में लिखते हैं तो रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है रोमन का, रोमन क्या करता है इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट कर देता है। सेम हमारे पास होता है एक रोमन की जगह पे हम रोमन से नंबर में चाहिए तो अरेबिक होता है, अरेबिक से अब वापस नंबर में ला सकते हैं, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद हम सेलिंग मैथ एंड ये है तो हमें पहले से हमें राउंडिंग सिस्टम के बारे में जानना होगा कि नंबर्स को राउंड करने का क्या सिस्टम है। जैसे आपके पास कुछ इस तरह का ए मिल गया हुआ है डेसिमल प्लेसेस, इसको दो डेसिमल प्लेसेस में आपको करना है, सिर्फ दो डेसिमल प्लेसेस में। तो दो डेसिमल प्लेसेस में कैसे करेंगे, तो एक तो विजुअलिटी के लिए आप यहां से इसका यूज कर सकते हैं कि आप यहां से डिक्रीज कर दें या नंबर फॉर्मेटिंग में जाके डायरेक्टली यहां पे आप जो है नंबर में यहां पे डेसिमल प्लेसेस डाल सकते हैं कितना होना चाहिए, लेकिन जस्ट विजुअल होगा, ओरिजिनल में आपके पास वही होगा जो बाहर दिख रहा है। मुझे ओरिजिनल में भी अपना राउंडिंग राउंड वैल्यू को दो डिजिट ही रखना है तो हमारे पास दो फॉर्मूले, एक है राउंड और यहाँ पे हमने कॉमा कर दिया नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट का चाहिए आपको डेसिमल प्लेसेस, तो हमने दो कर दिया तो यहाँ पे 37 आ गया क्योंकि ये नियरेस्ट में 6 है, इसलिए क्योंकि राउंड नियरेस्ट को दिखाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि डेसिमल हटा ही देना है तो राउंड में आप जीरो कर दीजिए या फिर आप इंट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं डेसिमल्स को रिमूव करता है। राउंड में अगला है राउंड डाउन,
राउंड में हमारे पास अगला है राउंड डाउन। हम यहां से राउंड डाउन को सेलेक्ट करेंगे और कॉमा दो दे दीजिए तो ये नीचे की तरफ आता है। हमने राउंड अप कर दिया, माफ कीजिएगा। हाँ, राउंड अप क्या करते हैं, हमेशा अपर में दिखाता है और राउंड डाउन हमेशा लोअर में दिखाएगा। कि राउंड होगा तो अगर आपने अगर 3.5 कर रखा है तो आपको 4 दिखाएगा और ये 5 है तो नीरेस्ट अपर है तो इसलिए अपर दिखाएगा और 3.2 है तो 3 दिखाएगा। राउंड अप क्या करेगा कि हमेशा अपर, अगर 3.1 है फिर भी वो 4 दिखाएगा, 3.9 है फिर भी वो 4 दिखाएगा क्योंकि हमेशा अपर की वैल्यू लेता है। राउंड डाउन हमेशा डाउन की वैल्यू लेता है कि अगर 3.2 है फिर भी आपको आपको 3 दिखाएगा, 3.9 है फिर भी इसको 3 दिखेगा, हमेशा डाउन में रहता है, इसका यूज करते हैं। और नंबर ऑफ डिजिट्स में अगर 0 कर देते हैं तो डेसिमल प्लेसेस को रिमूव कर देता है। ये तो डेसिमल्स को राउंड करने की बात हुई, लेकिन मुझे अगर नंबर को राउंड करना, जैसे कि मान लीजिए कि 42,536 है, मुझे इसको हमेशा 1000 पे फिगर में रखना है, अगर 42,000 होगा या 43,000 हो, 1000 का मल्टीप्लेक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेलिंग मैथ का यूज करेंगे, या सेलिंग मैथ या सेलिंग दोनों एक ही होता है, और सिग्निफिकेंट में हमने दे दिया 1000, फिर 43,000। अगर मैंने 45,820 कर दिया फिर भी ये 46,000 आपको दिखाएगा। 46,000 इसलिए दिखाया क्योंकि हमेशा अपर में दिखाता है, ठीक है। तो मतलब कि अगर 45,001 हो गया फिर भी ये आपको 46,000 दिखाएगा। लेकिन इसी में हमारे पास एक होता है फ्लोर। फ्लोर क्या करता है, फ्लोर मैथ है, फ्लोर एक ही फॉर्मूला है, हमेशा लोअर में दिखाता है। मैंने यहाँ पे सिग्निफिकेंट 1000 कर दिया तो यहाँ आपको 45,000 ही दिखाएगा, मतलब कि 45,980 दे दिया तो ये आपका 46 और 45 दिखाएगा। तो ये नंबर को राउंड कर सकते हैं, 1000 की जगह पे जो डालना है वो डाल सकते हैं, आपका नंबर राउंड हो जाएगा। ये आपका राउंडिंग सिस्टम था नंबर की। सर नंबर ये जो 10,000 में आया, ऐसा नहीं है कि लाइक 51 को अपवर्ड करे और 49 डाउनवर्ड करे, नहीं वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कॉम्बिन आता है, ये परमुटेशन दिखाता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 3 बंदे को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया है लेकिन 2 को ही ज्वाइन करना है, तो आपके पास ऑप्शन कितना है वो आपका कॉम्बिन दिखाता है। परमुटेशन पढ़ते थे ना मैथमेटिक्स में, दिखाया मतलब कि आपके पास ए है, बी है और सी है, तो आप ए और बी को ज्वाइन करवा सकते हैं, बी और सी को करवा सकते हैं, या ए और सी को करवा सकते हैं, 3 चॉइसेस है। फाइनल नंबर चॉइसेस बताता है। मैं इवन जो है इवन नंबर शो करता है, नेक्स्ट इवन नंबर, जैसे आपने ऑड डाला है तो इवन में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका पावर दिखाता है, ये फैक्टोरियल नंबर दिखाता है, जैसे दिखा ना आपने 5 दे दिया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेता है फैक्टोरियल। फैक्ट डबल क्या करता है, फैक्ट डबल में अगर आपने 6 डाला है तो जितने भी ऑड नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इसको दिखाए, और आपने इवन 5 डाला है तो जितने इवन ऑड नंबर है 1 × 3 = 5 ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कि ये डबल मल्टीप्लाई करता है, एक छोड़ के करता है, और आपका एंटर की ये नंबर ऑड है तो हर इवन को छोड़ेगा ऑड को मल्टीप्लाई करेगा, अगर ऑड है तो इवन है तो ऑड को छोड़ेगा इवन को मल्टीप्लाई करेगा। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर है, ये जो आपका महत्तम होता है ना एलसीएम के अकॉर्डिंग, ये बताता है। जैसे आपने इसमें डाला हुआ है, मान लीजिए कि आपने डाला यहाँ पे 50 और आपने डाला यहाँ पे 25, दोनों का कॉमन डिवाइडर कौन सा है 25,
रिजल्ट आपका 25 हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर, मैं 30 कर दूंगा तो 10 आएगा, 35 कर दूंगा तो 5 आएगा। आपका इंड करता है एलसीएम, आपका एलसीएम निकालता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई दिखाता है इसमें, बाकी मोड आपका, हाँ मोड फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने आपको यह बताया कि हमें डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए इंड का फॉर्मूला लगता है। अगर मान लीजिए किसी नंबर से सिर्फ डेसिमल को अलग करना है तो इसके लिए हम करते हैं कि नंबर माइनस इंट नंबर, क्योंकि विथ डेसिमल माइनस विदाउट डेसिमल करते हैं। लेकिन एक तरीका और भी है, क्या है, उससे पहले हमें मोड को समझना होगा। जैसे 14 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा ना, मोड का काम यही है शेषफल निकालता है। हमने नंबर को 5 से डिवाइड किया तो शेषफल हमारा 4 आया। शेषफल समझते हैं ना सर, रिमाइंडर जी, रिमाइंडर निकालने का काम करता है। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि इसमें इसका ये यूज है, तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, मैथमेटिकल थ्योरी है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल जो है वो 0 आता है, लेकिन अगर वो नंबर डेसिमल में है तो शेषफल आपका डेसिमल आएगा। तो जैसे कि आपने फॉर्मूला लगाया नाउ का, नाउ का फॉर्मूला क्या करता है, डेट एंड टाइम देता है, मुझे इसमें से सिर्फ टाइम चाहिए। तो अगर किसी किसी डेट एंड टाइम वाले को अगर जनरल में डालेंगे तो ये आपका डेसिमल में आता है इस तरह से। तो जो आपका नंबर है वो डेट है, जो यहाँ पे पॉइंट्स में है वो आपका टाइम है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया मोड का, मोड इसको सेलेक्ट किया कॉमा 1, हमारा सिर्फ टाइम आया, यहाँ पे टाइम काउंट अप्लाई कर लो, सिर्फ टाइम आएगा। तो मोड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक आता है एम राउंड, मोड के नीचे आता है आपका एम राउंड। अच्छा मान लीजिए कि आपको 50 गिफ्ट आया है, 70 लोगों को बांटना है, एक 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 एकदम एक्चुअली तो बटेगा नहीं, क्या ब्रावर वाला तो बटेगा नहीं, तो आपको ये पता करना है कितने गिफ्ट होने चाहिए थे जो इक्वली 17 लोगों को बट जाए। मतलब अगर हम फोर्थ या फिफ्थ में हम लोग पढ़ते थे कि वो संख्या ज्ञात करे जो 50 के नजदीक हो और 17 से डिवाइड हो जाए, वो उसका काम एम राउंड बताता है। एम राउंड यहाँ पे हमने नंबर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको सिलेक्ट, ठीक है। ये आपके एम राउंड बताता है। और मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम बात करते हैं आगे, रैंड बिटवीन तो हम बताते ही है, रोमन मैंने बता ही दिया, राउंड राउंड ऑफ बता ही दिया आपको मैंने, साइन आपका साइन थी साइन, ये आपका साइन ऑफ द नंबर है, जैसे कि आपका माइनस होगा तो माइनस 1 दिखाएगा, प्लस में होगा तो 1 दिखाएगा, 0 में 0 दिखाता है, साइन ऑफ द नंबर। साइन आपका साइन थीटा का मान देता है। ये आपका स्क्वायर रूट है, मतलब तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायरिटी इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद आपका सम, आपका सब टोटल फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है अभी आपको, और सम का फॉर्मूला पढ़ाने की जरूरत नहीं, इसमें सम प्रोडक्ट है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। सम प्रोडक्ट क्या करता है, मान लीजिए कि क्वांटिटी है और यहाँ पे एमआरपी है, तो मान लीजिए कि ये आपकी कुछ क्वांटिटीज है, ये हमारे एमआरपी, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, तो
तो जनरली लोग क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सम करेंगे, लेकिन सम प्रोडक्ट दोनों काम एक साथ कर देगा, सम प्रोडक्ट दोनों काम एक साथ कर देगा। हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, आ गया सर। बाकी बचता है समिंग फॉर्मूला, उसको डेटा समराइजेशन फॉर्मूला कहते हैं, ये हम आपको कल पढ़ाएंगे। फिलहाल इसकी प्रैक्टिस कर लें और VLOOKUP प्रोजेक्ट को करने की कोशिश करें प्लीज। सर एक इसमें तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला में, हम बात करेंगे आपके साथ सम इफ फॉर्मूले के बारे में। जी हाँ, सम इफ फॉर्मूले के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सम इफ फॉर्मूला होता क्या है। तो चलिए, हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा को देखिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे ओवरऑल सम चाहिए, तो हम जनरली सम निकाल लेते हैं कि हाँ इसका ओवरऑल सम कितना है, लेकिन मुझे सम करना है किसी एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे। जैसे मुझे पता करना है कि पूजा का सम क्या है, जैसे कि हम पिवट टेबल में करते हैं, पूजा और भी पर्सन है उनका, मैं टोटली यहाँ चाहता हूँ सेल्स का। तो सम इफ मतलब सम विथ कंडीशन, सम के साथ हम अपने कंडीशंस को भी ऐड करना चाहते हैं, सम विथ कंडीशंस। तो इसके लिए मैंने यहां पे फॉर्मूला बनाया सम इफ का। सम इफ में तीन क्राइटेरिया है, रेंज, क्राइटेरिया रेंज एंड सम रेंज। अब रेंज का मतलब हुआ कि आपको किस में मैच करना है, मतलब किसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगानी है, तो हमने कॉलन इक्वल ले लिया। फिर क्राइटेरिया रेंज मतलब इसमें कौन सा क्राइटेरिया को देखना है, तो हमने बोला इसमें पूजा को देखना है। एंड लास्ट में आ रहा है सम रेंज मतलब किसका सम निकालना है, तो हमने बोला मुझे सम निकालना है सी कॉलम का। ध्यान से दीजिए, देखिएगा रिजल्ट आ गया। मैं दोबारा लगाता हूं, आप लोग देखिएगा, मैं सम इफ का फॉर्मूला लगाया। हमने सबसे पहले दिया रेंज कि किसके अकॉर्डिंग वो मैच करेगा, फिर कॉमा दिया, हमने सिलेक्ट किया नेम कि उसमें क्या मैच करना है, और मैच करने के बाद किस कॉलम का टोटल लेना है, आपके सामने रिजल्ट आ गया। और फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं। तो सम इफ का फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से किसी पर्टिकुलर आईडी के अकॉर्डिंग सम करता है। अब इसमें और भी कंडीशंस वगैरह, जैसे मान लीजिए मुझे सेल्स ही निकालना है, मुझे बोला गया है कि अगर आपके पास ये है डेटा है, उस डेटा में से मुझे ग्रेटर देन 50 वाले का सम निकालना है, तो ग्रेटर देन 50 पे हमें इंसेंटिव देना होता है
सो हमें ग्रेटर देन 50 वाले पे बात करना है कि ग्रेटर देन 50 वाले कौन कौन से है, मुझे इस पे देखना है। तो इसके लिए हम यहाँ सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ। अब इसमें क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, तो सेल्स है, कॉमा हमने 50 को सिलेक्ट कर दिया और एंटर प्रेस करता हूं। आप बोलेंगे सर यहां तो हमने सम रेंज दिया, बट यहां पे सम रेंज क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया रेंज एंड सम रेंज दोनों एक ही है, मेरा क्राइटेरिया रेंज एंड सम रेंज दोनों एक ही है, इसलिए यहाँ पे हम सम रेंज देना हमें जरूरी नहीं है। ऐसे डाल सकते हैं लेकिन देना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 50 में मान लीजिए मुझे यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, तो ग्रेटर देन का नंबर 60 है, 70 है, 90 है, 40 है, 20 है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो क्या सब में ग्रेटर देन का साइन लगाना जरूरी है? अब इसको फॉर्मूले के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे देखिए, सम इफ, सम इफ में हमने रेंज को लिया और यहां हमने ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन जो भी है आपके उसको सिलेक्ट किया और हमने एंड परसेंट के साथ इसको आपस में मर्ज कर दिया। अब देखिए मैं इसको इजीली नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूं। इसी तरह से आप ग्रेटर देन लेस देन greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to and not equal to use कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें जय कुमार जी? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि यहां हम ये तो चलिए देख लिया हमने, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब यहां पे कहीं पे देव है और कहीं पे देव कुमार, तो अगर मैं देव का टोटल निकालूंगा तो देव कुमार का नहीं आएगा, देव कुमार को निकालूंगा तो देव का नहीं आएगा। तो उस केस में क्या करें, उस केस में हम ये दोनों तरफ स्टार लगा देते हैं, उसके बाद यहां हम सम इफ में इसका यूज करते हैं, सम इफ, सम इफ रेंज, हमने रेंज दे दिया, फिर क्राइटेरिया में हमने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड सम रेंज हमारा ये रहा सम रेंज, एंटर प्रेस करते हैं आप देखेंगे आ गया। तो हमने दोनों तरफ स्टार लगाया है, दोनों तरफ स्टार लगाया है तो क्या हुआ, ये हो गया कंटेंड विद। जी हाँ, दोनों तरफ स्टार लगाने से हो जाता है कंटेंड विद। सर इस केस में तो देव के पीछे अगर देव वन, देव टू, देव थ्री, देव इंदर और देवी भी होगा, देव होना चाहिए। बट इस केस में तो सर देव के अगर स्टार्ट विद ओम देव पंकज देव वो भी कंसीडर कर लेगा। देखिए इसका मतलब आप कंटेन कि देव पहले स्टार्टिंग में हो या एंडिंग में हो या मिडल में हो, किसी के साथ हो, अकेला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम एंड विद स्टार लगाएंगे तो शायद उसके लिए से स्टार्ट होने वाले ही। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे देव लिखा, ये हो गया एंड विद देव, मतलब कि देव से पहले चाहे जो भी हो लास्ट में देव होना चाहिए। समझे?
राइट लास्ट में देव होना चाहिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑप्शन इसमें आता है कि अगर हमने देव लिख दिया और ये कर दिया ये होता है एंड विथ देव स्टार्ट विथ देव, ये हो गया कंटेन, ये हो गया हमारा एंड विथ देव, ये हो गया हमारा स्टार्ट विथ देव। ओके अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि अब मुझे ये नहीं पता क्या है, जैसे कि ओम दिख रहा है, इसी तरह से एक और होगा F7 या इस तरह के दो डिजिट के नाम होंगे, मुझे यहाँ पे दो डिजिट के नाम होंगे, वो दो डिजिट के नाम को मुझे यहाँ पे लिखना है। हम चाहते हैं कि जितने भी दो डिजिट के नेम है उसका टोटल कर, तो बस यहाँ पे दो बार क्वेश्चन मार्क डालिए और फिर सम इफ लगा दीजिए। सम इफ यहाँ पे हमने अपना रेंज ले लिया, यहाँ पे हमने अपना क्राइटेरिया ले लिया और यहाँ हमने अपना सम रेंज ले लिया। तो जितने भी दो डिजिट वाले थे सबको इसमें हाईलाइट कर, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो क्वेश्चन मार्क से एनी कैरेक्टर्स हो गया। अब बात करते हैं कि मल्टीपल कंडीशन, जैसे कि मुझे पूजा का टोटल चाहिए, वो भी हमें चाहिए किसमें, नोएडा। तो एक कंडीशन हो तो सम इफ, लेकिन मल्टीपल कंडीशन हो तो अगला ऑप्शन आता है हमारा सम इफ्स का, IFS इफ्स। हमने सम रेंज ले लिया इसमें सॉरी सम रेंज हो गया, फिर हमारा क्राइटेरिया वन रेंज नेम आ गया, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू रेंज एंड क्राइटेरिया टू, ऐसे ही क्राइटेरिया थ्री फोर फाइव आप ले जाइए, ये आपका टोटल दे। इसमें और सम इफ में भी ये सारे कंडीशन लगा सकते हैं जो कि आपने सम इफ में लगाया, तो सम इफ में भी ग्रेटर देन लेस देन कंटेन ये सब चीजें लगा सकते हैं, राइट सर। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा समराइजेशन की फॉर्मूले। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था सम इफ के बारे में, मैंने बताया था आपको जैसे कि पूजा है हमारे पास, तो पूजा का टोटल कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने सम इफ का यूज किया था, सम इफ रेंज क्राइटेरिया। हम बात करते हैं कि मुझे एवरेज का, चलिए बारे में जानते हैं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज की मैथमेटिक्स में बात करते हैं सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाय काउंट ऑफ द वैल्यू। जैसे मान लीजिए पूजा का टोटल सेल तो 884 है, लेकिन मुझे पता करना है कि एवरेज सेल क्या है, क्योंकि तो इसने कई सारे बिल्स यूज किए है ना, तो एवरेज बिलिंग उसकी क्या है। तो उसके लिए अगर मुझे ओवरऑल का एवरेज निकालना है तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे और ओवरऑल फॉर्मूला निकाल लेंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि एक एवरेज ए भी था। अब एवरेज ए क्या करता है, तो जैसे कि अगर हम कोई नंबर यहाँ बताते हैं एवरेज और एवरेज ए में क्या डिफरेंस है, ये आपको चलिए समझा रहे हैं। दस हमने लिखे हैं, टेन लिखा हुआ है, एवरेज आप लगाते हैं तो इसका एवरेज टेन ही आएगा। अगर बीच में कहीं भी हमने ट्रू डाल दिया
फिर भी हमारा एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप एवरेज ए यूज करते हैं आपको फर्क पड़ जाता है, 9.1 आया, क्योंकि इसने क्या किया, 1, 2 को 1 समझा और 91 को उसने 9 से डिवाइड कर दिया, 9.1 आपके सामने दिख रहा है। तो एवरेज क्या होता है, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स को इग्नोर करता है, एवरेज ट्रू एंड फॉल्स को इग्नोर करता है। और एवरेज ये क्या करता है, ये आपका ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर करता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। अगर मुझे सिर्फ पूजा का एवरेज चाहिए तो मैं यहां पे एवरेज इफ का इस्तेमाल करूंगा, जैसे हमने सम इफ का इस्तेमाल किया था। तो यहां पे हम देंगे रेंज, फिर देंगे यहां पे क्राइटेरिया और फिर देंगे यहां पे हमारा सम रेंज, एवरेज रेंज सॉरी, और यहां पे आपका एवरेज निकल जाएगा। और एवरेज में भी आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू जैसे सिंबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने कल बताया था सम इफ में। जैसे मुझे ग्रेटर देन 50 का एवरेज निकालना है तो यहां आप एवरेज ए इफ का, सॉरी एवरेज इफ लीजिए और यहां पे आप अपना कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पे कंडीशन क्राइटेरिया। एवरेज रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्राइटेरिया रेंज और एवरेज रेंज दोनों एक ही है। क्या आ गया आपका सेम उसी तरह से आप स्टेट की जो होता है, जैसे कि ये स्टार वाला सिस्टम है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर पूजा है या पूजा सिंह है, सबको एवरेज निकाल दे। मल्टीपल कंडीशंस की बात रही, जैसे मान लीजिए मुझे पूजा का एवरेज चाहिए जिसकी ग्रेटर देन 50 का से, तो मल्टीपल कंडीशन मतलब एक से ज्यादा कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं सम इफ्स का फॉर्मूला। जी हाँ, सम इफ्स, सम इफ्स में आपको, सम इफ्स माफ कीजिएगा, एवरेज इफ्स, सम तो कंपल पढ़ चुके हैं ना, एवरेज इफ्स का फॉर्मूला। एवरेज इफ्स में हम क्या करते हैं कि अपना एवरेज रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया एंड क्राइटेरिया 2 एंड दूसरी क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया। तो आपके सामने यहां पे क्राइटेरिया आ गया। ठीक है सर, तो ये आपका क्राइटेरिया आ गया। इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला टॉपिक अब आता है काउंट का। देखिए काउंट के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। जैसे काउंट ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है। काउंट ए ये नंबर एंड टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है ब्लैंक को छोड़ के। और नेक्स्ट आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है कि सिर्फ ब्लैंक को काउंट करेगा और फिल सेल को काउंट नहीं करेगा। लेकिन मुझे कंडीशनल काउंट चाहिए, जैसे मुझे काउंट चाहिए कि पूजा का टोट आखिर जो 884 है कितना बिलिंग से आया, कितना बिल है इसके, तो उसके लिए हम काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे और हम यहां पे पूजा को सिलेक्ट कर लेंगे, 20 आ गया। और काउंट इफ में भी हम ये सारे कंडीशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ग्रेटर देन 50 काउंट करना है तो काउंट इफ और हम यहां इसको सिलेक्ट किया कंडीशंस और ये ग्रेटर देन 50 हमने ले लिया। और अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो जैसे पूजा ग्रेटर देन 50 तो वहां पे हम काउंट इफ्स का IFS का इफ्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम क्राइटेरिया लेंगे, रेंज लेंगे, क्राइटेरिया लेंगे, फिर क्राइटेरिया 2 रेंज लेंगे एंड क्राइटेरिया 2 लेंगे, ऐसे 3, 4, 5 कंटिन्यू कर सकते हो। क्या आ गया, और चाहे वो सम इफ हो, चाहे वो काउंट इफ्स हो, चाहे वो आपका एवरेज इफ्स हो, ये सारे कंडीशंस उसमें भी यूज किए जा सकते हैं।
तो राकेश जी और विक्की गोयल जी कोई डाउट इसमें? नहीं सर, डाउट नहीं सर। ठीक है सर, हम बात करते हैं मैक्सिमम की। जैसे कि आपने मैक्सिमम, मुझे इसकी मैक्सिमम सेल्स चाहिए, तो यहाँ से आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं कि हाँ इसकी मैक्सिमम 90 सेल है। लेकिन एक और फॉर्मूला है मैक्स ए, तो ध्यान रखिएगा मैक्स और मैक्स ए सिर्फ सिमिलर आपका एवरेज और एवरेज ए है। मैक्स ए आपका ट्रू फॉल्स को भी कंसीडर करता है, ट्रू को 1 एंड फॉल्स को 0, एंड मैक्स नहीं करता है। लेकिन मुझे पता करना है कि पूजा की मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है, तो उसके लिए यहां पे हम मैक्स आईएफएस, मैक्स इफ नहीं है, मैक्स आईएफएस लेना पड़ता है। मैक्स रेंज हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया 1 रेंज ए आ गया और क्राइटेरिया ए आ गया, तो ये आपका 82 आ गया। सेम उसी तरह से अगर मल्टीपल कंडीशंस हो तो मैक्स इफ का, इफ आईएफएस इफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्स रेंज पहले दे दीजिए, पहली क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, दूसरी क्राइटेरिया और दूसरी क्राइटेरिया क्या है, ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। मैक्स इफ का फॉर्मूला लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा, ओल्डर वर्जन में मैक्सिमम का फॉर्मूला नहीं। अब मैक्सिमम के बाद अब बात करते हैं कि मुझे पोजीशन के हिसाब से सम चाहिए। जैसे 1, 2, जैसे मैक्स पहला तो 90 आ गया, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, चौथे पे क्या है, पांचवें पे क्या है, पता कर पोजीशन। तो उसके लिए आपके सामने लार्ज का फॉर्मूला है। लार्ज हमने इसको ले लिया और पोजीशन दे दिया हमने यहाँ पे के पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे 90 था और नीचे ट्रैक कीजिए तो दूसरे नंबर पे 90 और तीसरे पे 89 है। अगर मान लीजिए कि मैं 95 कर दूं, तो देखिए पहले पे 95, 92 कर दूं, 92। इस तरह से पोजीशन के हिसाब से आपको टोटल देता है। अगर आपको स्मॉल देखना है, मतलब कि नीचे से देखना है, मिनिमम देखना है, तो स्मॉल लगा सकते हैं। स्मॉल में हमने इसको सिलेक्ट किया और पोजीशन से स्मॉल लगा दिया। और जैसे कि आपने मैक्स इस्तेमाल किया है, ऐसे आपके पास मिन भी होता है कि मिनिमम वैल्यू को शो करता है, और मिन ए भी होता है जो कि मिन मिनिमम वैल्यू को शो करता है पर ट्रू फॉल्स को 0, 1 समझता है। और जैसे आपने मैक्स इफ लगाया है, ऐसे आपका मिन इफ भी होता है कि आप इसमें मिनिमम रेंज ले लीजिए, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया, एंड ओके कर दीजिए, ये आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? तो अभी आपने सीखा एवरेज के फॉर्मूले, आपने सीखे काउंट के फॉर्मूले, आपने सीखे मैक्स के फॉर्मूले और सीखे लार्ज के फॉर्मूले। क्लियर है? तो फॉर्मूला कैटेगरी में मैथमेटिकल तो हम कल ही खत्म कर चुके थे, इसमें अब आता है कुछ जैसे कि स्टैटिकल फॉर्मूला। अब स्टैटिकल फॉर्मूला में एवरेज का, मैक्सिमम को तो बता दें, इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले स्टैटिक्स को बिलोंग करते हैं, तो इसके बारे में पहले से आपको पता होना चाहिए इसकी मैथमेटिक क्या है। जैसे कि ये देखिए PHI, रिटर्न द वैल्यू ऑफ डेस्टिनी फंक्शंस फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो इस फॉर्मूले को समझ पाएंगे। तो एक बार आप इन फंक्शन को खुद से स्कैन कर लीजिए, जो जो फंक्शन आपको पढ़ना है उसका लिस्ट बना लीजिए, और फिर हम कल उस पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के हमारी क्लासेस में हम इफ कंडीशन के एक इंटरव्यू क्वेश्चंस को करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस कर लीजिए, बिजली का बिल की कैलकुलेशन कर लीजिए या इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर लीजिए, हम इसी तरीके से करते हैं। ओके, जैसे कि मेरे सामने आपके सामने डेटा है, जिसमें मैंने बताया था कि अगर 0 से 40 हुआ तो 20 रुपीज, 41 से 80 हुआ तो 60, और 81 से 100 हुआ तो 80, और ग्रेटर देन 100 हुआ तो 100 रुपीज पर क्रेडिट मिलेगा। और यहाँ पे मैंने इसकी कैलकुलेशन समझा के रखी है। तो चलिए इसी चीज को हम
यूज करते हैं। अब यहां पे मैं करता हूं फॉर्मूला इफ का, अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 हुआ, ध्यान रखिए, तो क्या करेंगे, बी टू मल्टीप्लाई बाई 40 कॉमा, फिर कर दे इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 हुआ, तो हम 40 तो दे, 40 जो है वो 20 रुपए के हिसाब से है, तो कितना होगा, 800 होगा ना सर, 40 मल्टीप्लाई बाई 20, या फिर आप डायरेक्ट यहां लिख भी सकते हैं 40 मल्टीप्लाई बाई 20, या फिर आप यहां पे डायरेक्ट 800 लिख सकते हैं प्लस, इसको सिलेक्ट किया और माइनस 40 और यहां मल्टीप्लाई बाई 60, तो अगर किसी की 45 सेल होगा तो 840 का मिल जाएगा, फिर बी टू में से 40 को मल्टीप्लाई माइनस करेगा तो 5 बचेगा, और उस 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेगा तो 800 में वो जुड़ जाएगा, जैसे कि यहां हमने बताया हुआ है, समझे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। फिर यहां पे तीसरा कंडीशन कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है, तीसरा कंडीशन, यहां पे 800 तो मिलेगा ही मिलेगा, अब यहां पे अगेन हमारे 40 मल्टीप्लाई बाय 60 है, मतलब कि 40 के बीच का है, समझे, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होगा, 4400 होगा ना, या फिर आप यहां लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 60, या एक्चुअल फॉर्मूला बहुत लेंदी ना हो तो आप यहां पे 2400 कर सकते हैं, या दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों का ऐड कर दीजिए, 3200 कर दीजिए प्लस, हमने इसको सिलेक्ट किया माइनस ब्रैकेट में लेते हैं ताकि बोर्ड मार्क लिखा हो, माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 80, फिर यहां तीसरा कंडीशन चलेगा, अगर ए लेस देन इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 100 तो हो गया ना, ग्रेटर देन 100 है तो क्या होगा, 3200 प्लस, अब यहां पे 20 मल्टीप्लाई बाय 80 1600 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब इसमें से माइनस करेंगे कितना, तो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई बाय 100, ये रिजल्ट ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, एंटर मार्जिन क्लोज हो जाएगा, ये आगे सामने रिजल्ट आएगा। सेम उसी तरह बिजली के बिल की कैलकुलेशन होता है ना, जैसे कि अगर आपका 100 यूनिट तक बिजली आता है तो आपको जो है 2 रुपए 50 पैसे पर यूनिट देना है, अगर 200 से लेके 400 तक आया तो आपको 3 रुपए यूनिट देना है, 400 से लेके 800 तक आया तो आपको यहाँ पे 5 रुपए देना है, और ग्रेटर देन 800 आया तो आपको 7 रुपए, तो मान लीजिए बिजली का बिल अगर 640 यूनिट आया है तो क्या कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे इफ करेंगे हम, इफ लेस देन इक्वल टू 100 है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2.5 हो जाएगा, अदरवाइज अगर ए लेस देन इक्वल टू 400 है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाई 2.5, क्योंकि 100 प्लस लेफ्ट होगा ही होगा ना, प्लस इसमें से हम माइनस करेंगे 100 और जो आएगा वो मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, समझ में सर,
रोहन जी यस सर यस मान लीजिए आपने आपका 150 यूनिट हुआ है तो 150 यूनिट में आपको 150 मल्टीप्लाई बाय 3 थोड़ी करना है 150 में 100 यूनिट तो आपको 2.5 रुपए वाला यूनिट है आपका 50 यूनिट है वो आपका 3 रुपए वाला है ना तो मैंने यहाँ पे 2.5 रुपए वाला यूनिट निकाल दिया और फिर 50 रुपए यूनिट निकाल दिया 3 रुपए वाला यूनिट निकाल लिया 50 का उसके बाद यहाँ पे फिर तीसरा कंडीशन होगा कि अगर लेस देन इक्वल टू 800 हुआ तो क्या होगा 100 मल्टीप्लाई 2.5 तो होगा प्लस अगेन आपका 200 से 400 है ना 400 इसमें 200 जो होगा वो मल्टीप्लाई बाय 3 होगा उसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे कितना 400 क्योंकि 100 हमने 2.5 रुपए दिया याद हुआ 100 हमारा 2.5 रुपए दिया 200 हमारा 100 करवाया हुआ है सर सर 100 से 400 होगा 100 से 400 पे 3 रुपए होगा माइनस हमारा 400 होगा और वो मल्टीप्लाई बाय आपका इस तरह से हम इनकम टैक्स की बिजली की कैलकुलेशन बिल की कैलकुलेशन और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन भी इसी तरीके से करते हैं ठीक है सर यस सर और कल की इस क्लास की डेट एंड टाइम की क्लास की वीडियो मिल गई थी आपको जी तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में कुछ हम सामिफ के क्वेश्चंस के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे तो चलिए क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं ये आपके सामने फाइल है तो सबसे पहले हम डेटा को देख लेते हैं कि डेटा क्या है तो आपके सामने डेटा है जिसमें नेम है सिटी है क्वांटिटी है एमआरपी है और डेट है ये आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में है कि नेम सिटी ईयर तीन चीज हम डालें तो मुझे यहां पे मंथली सम मिल जाए इसका मंथली सम मिल जाए जनवरी फरवरी क्वांटिटी और एमआरपी बट मेरे डेटा नहीं ध्यान रखिएगा मंथ नहीं है डेट है यहां तो सबसे पहले जान लीजिए कि कुछ लोग हैं भुवन जी जैसे लोग हैं जिन्होंने समीफ को नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं बता देता हूँ समीफ क्या होता है जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने डेटा है और मुझे इसमें से मान लीजिए पूजा को सम करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ का फॉर्मूला सम इफ हम रेंज सेलेक्ट करेंगे कि पूजा नेम जहां पे मुझे मैच करना है और क्राइटेरिया में हम पूजा को दे देते हैं और सम रेंज हमारा क्वांटिटी आ गया सम रेंज हमारा क्वांटिटी आ गया एंटरप्रेस कीजिए यहां पर
नंबर को फॉर्मेट कर लीजिए नॉर्मल में, लेकिन अगर मुझे दो मान लीजिए कि जनवरी का सेल चाहिए और यहां पे मेरा जो डेट दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है मंथ नहीं दिया हुआ और मुझे डेटा में कोई मंथ डालने परमिशन नहीं है, मुझे डेटा चेंज नहीं करना है, तो कैसे करेंगे मंथली सेल्स? सबसे पहले जानिए कि क्या मल्टीपल कंडीशन में सेल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि पूजा का पुणे का सेल चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था सम इफ्स का, जिसमें हम सम रेंज क्राइटेरिया वन, रेंज क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू रेंज एंड क्राइटेरिया टू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर आ जाते हैं। तो ऐसे तरह से मुझे यहां पे मंथ बनाना होगा। हमने क्या किया कि इन्वर्टेड कॉमा में वन डैश दिया, एन परसेंट इसको सिलेक्ट किया, अगेन एन परसेंट और डैश के साथ हमने ईयर डाल दी 2019, डेट बन गई। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ईओ मंथ का, जो कि हर महीने की लास्ट डेट दिखाता है। लास्ट डेट इसने दिखा दिया हमें 31 जनवरी। अब मैं यहां पे सम इफ लगाऊंगा, सम इफ्स लगाऊंगा। सम रेंज है क्वांटिटी वन, क्राइटेरिया क्या है कि ग्रेटर दैन इक्वल, क्राइटेरिया रेंज देना पड़ेगा, क्राइटेरिया नेम है हमारा डेट। क्राइटेरिया क्या है तो पहली क्राइटेरिया है कि ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये हमने एन परसेंट कर दी स्टार्ट डेट को। फिर हमने क्या किया, क्राइटेरिया टू को सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया टू था लेस देन इक्वल टू और हमने सिलेक्ट कर ली एंड डेट, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आपके सामने आ गया कि जनवरी महीने में 5818 का सेल हुआ। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा यह है कि पुनीत जयपुर में 2019 में कितना सेल किया। तो सबसे पहले मुझे स्टार्ट डेट और एंड डेट बनाना पड़ेगा। वन डैश हमने जनवरी को सिलेक्ट कर लिया और फिर डैश दिया और ईयर को हमने यहां से सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने ईओ मंथ दिया यहां पे और इससे हमने कॉमा जीरो कर दे। तो मुझे अब इसको नीचे तक ड्रैग करना है, तो हमने B4 को फ्रीज किया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। तो मैं इसको बाद में हटा दूंगा, हर महीने का स्टार्ट डेट एंड डेट यहां पता चलेगा। तो मैंने यहां पे इक्वल सम इफ्स लगाया क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है और यहां पे सबसे पहले डेटा में गया और सम रेंज दे लिया कि मुझे क्वांटिटी का सम करना है। पहली क्राइटेरिया नेम है कि नेम वाले कॉलम में जाए और ये यहां से पुनीत को मैच करे। दूसरी क्राइटेरिया है कि सिटी वाले कॉलम में जाए और सबसे पहले ये जयपुर को मैच करे। और तीसरी क्राइटेरिया है डेट में कि डेट में जाए और ग्रेटर देन इक्वल टू और एन परसेंट के साथ हमने कंबाइन कर लिया अपना स्टार्ट डेट डीएल। फिर वापस हम डेटा में गए, हमने वापस एक बार और लिया अपने डेट डेट वाले क्राइटेरिया में और हमने इसमें बोल दिया लेस देन इक्वल टू और इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया हमारा जो एंड डेट था उसको और एंटर प्रेस कर रहा हूं, रिजल्ट आपके सामने। कंफ्यूजन हो सकती है तो मैं एक बार दोबारा बताता हूं। एवरेज इफ के बारे में, जैसे सम इफ होता है ऐसे एवरेज इफ होता है, इफ लगाने का तरीका सेम है सम इफ की तरह। एवरेज रेंज
हमने बोला कि मुझे MRP का एवरेज करना है। पहली क्राइटेरिया क्या है, तो हमने की नेम है क्या मैच करना है, तो हमने बोला पुनीत को मैच करना है। दूसरी क्राइटेरिया क्या है, सिटी है क्या मैच करना है, हमने बोला जयपुर को मैच करना है। तीसरी क्राइटेरिया में हमारा डेट है, तो हमने बोला कि भाई डेट में मैच हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू, और हमने कंबाइन कर दिया 1 जनवरी, यानी नीचे दे दिया 1 जनवरी से बड़ा हो, और फिर वापस हमने इसको सिलेक्ट कर दिया डेट को, और हमने बोला 31 जनवरी से छोटा, तो जनवरी का सेल निकल के आ जाए। तो भुवन जी कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा। अब मैं इसको नीचे ड्रैग नहीं कर सकता, क्योंकि ड्रैग करने से पहले सबसे पहले इसको फ्रीज करना, इसको हटाना पड़ेगा ना। तो हमने इसको कॉपी किया सबसे पहले, और यहां जहां D8 था उसके जगह पे हमने पेस्ट कर सबसे पहले, और यहां जहां भी D8 का यूज किया गया है, D8 के जगह पे D8 का फॉर्मूला हमने ब्रैकेट में डाल, और फिर सेम ऐसे E8 का फॉर्मूला को हमने कॉपी किया, और जहां पे E8 यूज किया गया है उसके जगह पे हमने E8 का फॉर्मूला ब्रैकेट में पेस्ट कर दिया। नीचे ड्रैग ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि B2 है हमारा, हर समरी रखना जरूरी नहीं है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, छोटा हो जाएगा फॉर्मूला, ये भी समरी है, क्लिक करने से ले लिया है इसने। मैं इसको आसानी से नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूं, ठीक है। ये हमारे सारे टोटल्स आ गए। अगर मैं पुनीत के जगह पे पूजा करता हूं तो पूजा का सेल आ गया पुणे में, तो पुणे में आ गया। पूजा के जगह पे मान लीजिए मैं रवि लेता हूं, रवि के सेल्स आ गया। तो ये हुई हमारी, मैंने यहां पे बताया आपको, फाइलों को मैंने सेव कर लिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, मुझे इसी तरह का रिकॉर्ड चाहिए, बट मुझे चाहिए सिटी वाइज बिटवीन 2 मंथ्स, इंडिविजुअली मंथ था ना, मुझे यहाँ 2019 के जनवरी से लेकर जुलाई तक का क्वांटिटी का टोटल और MRP का एवरेज चाहिए। मैं यहाँ पे ईयर डालू तो मुझे यहाँ पे क्वार्टर वाइज इसके टोटल्स आने चाहिए सिटी के हिसाब से, और मैं यहाँ पे मंथ डालू, ईयर और मंथ डालू तो उसके वीक वाइज आना चाहिए मेरे पास टोटल्स। तो 3 क्वेश्चंस है जो कि आपको सॉल्व करने हैं, ये फाइल में आप लोगों को मेल कर देता हूं। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं VLOOKUP आज का हमारा टॉपिक है, और आज हम बात करेंगे VLOOKUP के बारे में, और साथ में ये क्लासेस की जो वीडियोज है YouTube पे जाएगी, तो आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ में इस क्लास में बात करेंगे कि किसी ने मुझे फोन पे पूछा था क्या VLOOKUP और HLOOKUP को कंबाइन किया जा सकता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि उसकी जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनकी क्वेश्चन थी इंटरव्यू की, तो हम वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है, सबसे पहले जाने की VLOOKUP करता है क्या है इसको जानिए। VLOOKUP या HLOOKUP दोनों का सेम काम है कि एक डेटाबेस में से एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी के बिहाफ पे या एक सर्च की के बिहाफ पे डेटा को लुकअप करता है। जैसे कि बैंक में जाते हैं, बैंक में आपका अकाउंट नंबर डालता है और आपकी पूरी ट्रांजेक्शन डिटेल्स निकाल लेता है,
आप जाते हैं वेबसाइट पे अपने यूनिवर्सिटी की, उसमें अपना रोल नंबर डालते हैं और पूरी की पूरी रिजल्ट्स आपको दिख जाती है। तो हजारों लाखों करोड़ों डेटा में से आपको डेटा को ढूंढ के वो दे देता है। तो इसको हम बोलते हैं लुकअप मेथड, और एक काम हम वी लुकअप से आसानी से कर सकते। तो चलिए, तो जैसे कि हमारे सामने डेटा है, इसमें से मुझे अगर 3 नंबर का पूरा रिकॉर्ड चाहिए, तो मान लीजिए कि अगर मुझे वी लुकअप ना लगाऊं तो मुझे यहाँ सर्च करना पड़ेगा 3 को फाइंड, और फिर इस डेटा को कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, अगर थोड़ा डेटा है तो चल सकता है, लेकिन डेटा हजारों में है तो दिक्कत होगी। तो उस केस में हम यहाँ वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। क्यों? वर्टिकल है, टॉप टू डाउन। सो वी लुकअप, तो वी लुकअप के सिंटैक्स को समझिए, लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप, चार चीज इसमें मांगता है। अब चारों को समझाते हैं। लुकअप वैल्यू मतलब कि किसको लुकअप करना है, जैसे कि अकाउंट नंबर, आपके अकाउंट नंबर के बिहाफ पे चाहिए तो अकाउंट नंबर क्या है, इम्प्लॉय आईडी क्या है, कौन से इम्प्लॉय आईडी को ढूंढना चाहते हैं, तो ये आपको सर्च करना है। फिर आता है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कि आपका डेटा कहाँ है। अब यहां रखिएगा, वी लुकअप जो है लेफ्ट टू राइट लुकअप करता है। आप आईडी के बिहाफ पे सर्च कर रहे हैं ना, तो डेटा में आप आईडी से ही सिलेक्शन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो आईडी 2 नंबर है 3 नंबर जो भी आईडी हमने अभी डाला था, वो आईडी कहां ढूंढेगा, वो आईडी ढूंढेगा पहले कॉलम में, इसलिए पहला कॉलम आपका वही होना चाहिए। फिर कॉमा। अब बात आती है कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी क्या है कि मान लीजिए 2 आईडी नंबर 2 के बिहाफ पे उसको 6 कॉलम मिल गए, 6-7 कॉलम मिल गए, 8 कॉलम मिल गए, लेकिन स्पेशल रूल कहती है कि एक सेल में किसी एक सेल का डेटा ही लुकअप होगा। किसी एक सेल में किसी एक सेल का डेटा ही लुकअप होगा। तो यहां पे आप क्या करेंगे, बताएंगे कि 1 और 2 दूसरा नंबर एंड कॉमा 0। रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब आपको एक बार और लगा के बताता हूं, इक्वल वी लुकअप, हमने लुकअप प्रेफरेंस को सिलेक्ट किया, क्या बोलते हैं, लुकअप वैल्यू को, टेबल एरे में गए, डेटा को सिलेक्ट किया और हमने बताया कि कौन सा टेबल है, कौन सा कॉलम चाहिए, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे हमने 3 डाल दिया। लास्ट में आता है आपका 0 या हैश, आप देख रहे होंगे क्या है, बता देता हूँ आपको। बेसिकली क्या है कि आपको एग्जैक्ट मैच करना है, या मैंने उसके आसपास का, तो हमें एग्जैक्ट मैच करना है ना, एग्जैक्ट मैच करना है, इसलिए हम फॉल्स देते हैं। लेकिन आप बोलोगे आप किसी, इससे पहले तो 0 दिया था, तो एक्सेल में 0 और फॉल्स एक जैसे होते हैं। अब हर किसी में लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहां इसको फ्रीज करके इसमें 2 फ्रीज भी होगा, F4 इसको फ्रीज करके हम आगे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि सम में 31 आएगा, क्यों, क्योंकि कॉलम नंबर इंक्रीज थोड़ी हुआ है, तो कॉलम नंबर के 3 के जगह पे 4, इसके जगह पे हम 5, इसके जगह पे हम 6, इसके जगह पे हम 7, इसके जगह पे हम 8, इसके जगह पे हम 9, इस तरह से मैनुअल लिखना पड़ेगा। अब एक थोड़ा सा बहुत ये हो जाता है, लंबी हो जाता है, तो उसका एक और तरीका है कि आप सिलेक्ट करें। अब एक सवाल मुझसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में, मुझसे पूछा गया था कि हमारे पास एक डेटा है और मुझे इसमें कई सारे कॉलम्स हैं, जिससे मैंने हमें अभी हमने देखा कि हमने वी लुकअप लगाया, फिर ड्रैग किया, फिर एक एक कॉलम चेंज किया। उनका कहना है आपको एक ही बार वी लुकअप लगाना है और सारे डेटा आ जाने चाहिए। तो हमने क्या किया कि पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया,
देख लीजिए ध्यान से। और सबसे पहला यहाँ B3 एक्टिव है, नहीं है तो आप टैब से एक्टिव कर सकते हो, ठीक है, सिम टैब और टैब से। फिर हमने यहाँ VLOOKUP का फॉर्मा लगाया, VLOOKUP लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया और डेटा में गया और हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया और जितने कॉलम नंबर्स हैं हमारे डेटा जो जहां लुकअप कर रहे हैं और इसके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक साथ कॉमा कॉमा करके डाल देते हैं, कर ली बाय। ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं कि सिक्वेंसली हो, आप अपने कि आप आपका फरवरी दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे क्या है वो अपने हिसाब से, 3, 2, 5, 7 ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। कॉलम है जैसे मुझे मान नेम चाहिए जैन चाहिए तो नेम दूसरे पे है, जैन तीसरे पे है, समझ गए। मान लो कि जैन चाहिए हमको लेकिन जैन यहाँ यहाँ पर है तो आप इसका नंबर डालेंगे, फिर फैब चाहिए तो फैब यहाँ इसके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ सिक्वेंस नहीं कॉलम के अकॉर्डिंग होना चाहिए और लुकअप वैल्यू में 0। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल एंट्री मार सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑफिस 360 है, बट आप मारेंगे कंट्रोल शिफ्ट आ गया जी। अब आया कैसे तो भुवन जी याद होगा एरे फॉर्मूला? हाँ पता है, वो कंट्रोल शिफ्ट एंड एरे चल रहा है ना इसलिए। मान लीजिए 6-7 तक हमने डाल दिया, अब कंट्रोल से एंटर मारेंगे तो हर किसी को नंबर मिल जाएगा, मिल गया ना, ऐसे VLOOKUP को ही मिल रहा है। यहाँ पे एक अगला ऑप्शन आता है कि मेरा थोड़ा सा सीक्वेंस देखना मुश्किल हो जाता है, बट मेरे का मेरा जो ए है कॉलम के हेडिंग है और इसका हेडिंग जो है इसका स्पेलिंग सेम है, सीक्वेंस अलग अलग है बट सेम है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का। मैच हम लुकअप वैल्यू यहाँ पे लुकअप एरे में गया सिलेक्ट कर लिया कॉमा 0। तो मैच क्या करता है कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों में लुकअप करता है, बताता है कि डेटा है या नहीं। अगर डेटा उसको मिलता है क्या करता है, उसका कॉलम नंबर बताता। तो हमने क्या किया, मैच में नेम को डेटा के पहले रो में सर्च किया तो हमें बता दिया दूसरा नंबर रो। तो VLOOKUP में हमें यही तो चाहिए क्या, अब इसको ड्रैग करें आगे की तरफ तो सबका कॉलम नंबर दिख गया ना जी। तो मैं यहां पे इक्वल VLOOKUP को सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया और कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे हमने यहां पे ले लिया मैच का मैच और यहां पे हम दिया 1 कॉमा, हमने रो को सिलेक्ट कर लिया कॉमा 0। ड्रैग करने से पहले मुझे ए का A4 का ए डेटा को और साथ में B1 का 1 और इसको फ्रीज करना होगा, ये जरूरी है ना। फायदा और भी है कि कल के डेट में अगर जैन अगस्त हो गया तो एंटर मारते ही मैच अपना रिजल्ट खुद बखुद चेंज कर देगा, ये सब मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। पर अब बात आती है एच लुकअप का कि एच लुकअप का क्या रोल है, फिर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा। जैसे मैंने मान लीजिए डेटा उठाया और दूसरे शीट पे गया, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और मैं ट्रांसपोज कर दिया। अब मेरा डेटा जो है टॉप टू डाउन नहीं लेफ्ट टू राइट, मुझे मान लीजिए 10 नंबर का जुलाई का डेटा चाहिए, समझे जी। तो यहां पे VLOOKUP ना लगा के हम यहां पे H लुकअप इसको सिलेक्ट कर लिया, टेबल एरे को सिलेक्ट कर लिया हमने, जैसे हमने VLOOKUP में करते हैं, VLOOKUP में वर्टिकल करते हैं यहाँ हॉरिजॉन्टल करते हैं, और VLOOKUP में कॉलम काउंट करते हैं यहाँ पे रो काउंट करना है। जन जन जी बात आती है कि VLOOKUP H लुकअप को कंबाइन कैसे करेंगे, तो
तो जैसे कि अभी हमने आपको मैच बता दिया कि मैच से हम डेटा ले लेंगे, राइट? राइट। लेकिन कभी कभी हमें इससे डेटा नहीं हो पाता है, समझे? एज लुकअप से डेटा, मैच से डेटा नहीं हो पाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे यार मैंने एक बार किया था ऐसा कि हमने यहाँ पे नंबर्स को मैनुअली डाल दिए, मैंने यहाँ पे लाइक ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना रखता हूं। नीचे कर मुझे इस बार मार्च का डेटा चाहिए, हमने VLOOKUP लगाया, इसको सिलेक्ट किया, टेबल में गया। अब यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे हम यहाँ पे मैच की जगह पे HLOOKUP लगा रहे हैं। HLOOKUP V2 उसको सर्च करना है हमें, यहाँ अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 235 कॉमा 0 और यहाँ भी कॉमा 0। किया था हमने जैन करना था यहाँ आ गया। तो यहाँ पे हमने VLOOKUP और HLOOKUP को आपस में कंबाइन कर, इसकी जरूरत नहीं थी बट किसी की क्वेश्चन था इंटरव्यू का तो हमने सोचा करना सही है। आप लोगों को समझ में आया जी? उसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट और क्वेश्चन हो तो मुझे कॉल कर लीजिए सर, एक व्हाट्सएप कर लीजिएगा। सर एक प्रॉब्लम है, अभी हम जब सॉफ्टवेयर से डाटा लेते हैं लाइक ओरेकल और SAP से, तो एक ही डाटा होता है, लाइक आइटम कोड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में होते हैं बट एक ही टाइप के होते हैं। उनमें VLOOKUP जब लगाने जाते हैं तो 10% 5% जो है मैच नहीं कर रहा, वैल्यू रेवेन्यू होती है मतलब VLOOKUP से आती नहीं है, जब उनको कितना लिमिटेड VLOOKUP से ना आने के पीछे दो रीजन होते हैं। पहला जैसे मान लीजिए सुजीत हमने लिखा हुआ है, ठीक, इसमें इन्होंने स्पेस लगाया होता है, स्टार्ट विद स्पेस या कभी कब एंड विद स्पेस हो जाता है सॉफ्टवेयर से जब हम डाउनलोड करते हैं, उसके लिए आप पहले डेटा को ट्रिम कर, ओके, स्पेस को ट्रिम करेगा। दूसरा क्या होता है कि आपका नंबर टेक्स्ट नहीं होता, जहां मैच कर रहे हैं वहां नंबर जो है नंबर में होता है, ठीक है? तो ये दोनों आपस में मैच नहीं ना करेगा? नहीं, जब जब हमने एक सीट से कॉपी करके दूसरी सीट पे फाइंड करता हूँ तो वो फाइंड करता है उसको एग्जैक्ट, लेकिन जब बोल तो रहा हूँ ना, जब कंट्रोल F हम करते हैं 1 2 5 6 तो ए मैच, मैच करता है, समझे? रिप्लेस एक ही करेक्टर को सर्च करता है ना। तो क्या क्या करना चाहिए? मैंने ट्रिम मैंने किया, मैंने टेक्स्ट कॉलम किया, फिक्स ब्रीफ किया है। सुनिए, अगर आपका नंबर में प्रॉब्लम है तो आपको वैल्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है? इसका वैल्यू का फॉर्मूला से वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आपको ट्रिम क्लीन लगाना होगा तो उससे हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं होता है तो करेक्टर है लगा हुआ है जो नहीं, ओके, कॉपी करके नोट पैड पे ले जाइए, वहां पेस्ट कीजिए और वहां देखिए क्या आ रहा है करेक्टर, ओके ओके ओके।
कॉपी करके नोटपैड में ले जाए और नोटपैड से फिर चेक करके उसके बाद फिर वहां पे रिप्लेस कर दे तो शायद उसका एरर दूर हो जाएगी। और अगर अभी कुछ तरह की प्रॉब्लम होती है तो एक उसका कुछ सैंपल डेटा हमें भेज दीजिए, हम देख के आपको बता। एक्चुअली मैं पिछले एक घंटे तक लगा रहा, मतलब 8000 लाइन आइटम में 35 लाइन आइटम थे, 35 में केवल जो थे नॉन आइडेंटिफाई वो केवल 5 थे, तो 30 ऐसे थे जिनको इस तरह ट्रिम भी कर लिया, टेक्स्ट कॉलम कर दिया, डिलिमिटेड कर दिया। तो मैंने तरीका बताया ना उसको आजमाइएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बाय। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला में हम बात करेंगे आपके साथ सम इफ फॉर्मूले की। जैसे कि हमने एक से पहला एग्जांपल सॉल्व किया था कि हमारे पास डेटा है, डेटा में नेम, सिटी, क्वांटिटी, एमआरपी और डेट है, और यहाँ पे हमने मंथ वाइज सम निकाला था जिसमें हमने नेम और सिटी एंड ईयर को भी साथ में एज ए फिल्टर यूज किया था। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये है कि मेरे पास ईयर है, मैं इसको बता देता हूं फिलहाल, मेरे पास ईयर है और ईयर में मैं एक डेट डालता हूं कि जैन से लेकर जुलाई तक या जो भी यहां पे मंथ हम डालेंगे उस मंथ के पीरियड का टोटल निकालना है सिटी वाइज। ओके, तो यहां पे जैसे कि हम पहले डेट बनाएंगे 1- और हमने जैन को कंसीडर किया और फिर डैश यहां पे हमने ईयर को कंसीडर किया तो एक डेट बन गया। ओके, अब सेम प्रोसीजर हम यहां यहां भी करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में 1- इसके साथ हम जुलाई को कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम यहां डैश हम कंसीडर करेंगे किसको, लेकिन मुझे जुलाई की पहली डेट नहीं चाहिए, आखिरी डेट चाहिए। अब यहां पे ईओ मंथ लगाना पड़ेगा क्योंकि हम यहां पे डेट फिक्स नहीं करते क्योंकि हर मंथ का अलग अलग डेट होता है, 28, 29, 30, 31 के बीच में रहता है, इसलिए हमने यहां पे ईओ मंथ लगाया 31 जुलाई। अब यहां हम सिंपल सम इफ्स लगाएंगे, सम इफ्स क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है इसलिए यहां पे सम इफ्स लगेगा, सम इफ्स। हम यहां पे डेटा में जाएंगे, हम डेटा को यहां पे क्राइटेरिया में गए और हमने सिटी को सेलेक्ट किया, सिटी को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने क्राइटेरिया नहीं, पहला तो यहाँ पे गलत हो गया ना सर, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे सम रेंज क्योंकि सम इफ की तरह नहीं चलता है, पहले हमें देना होता है सम रेंज किसका सम करना है आपको, उसके बाद क्राइटेरिया वन रेंज और फिर यहाँ देना होता है अपनी क्राइटेरिया एंड सेकेंड क्राइटेरिया रेंज हमारा डेट है, क्राइटेरिया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू और उसके साथ हमने क्या किया, हमने जो डेट कंबाइन किया था उस डेट को सिलेक्ट कर लिया। फिर यहां पे आते हैं वापस अपने डेट को सिलेक्ट करेंगे और इस डेट में फिर वापस यहां पे करेंगे लेस देन इक्वल टू और इसके साथ हम कंबाइन करेंगे एंड डेट जो जो हमने बनाया है करते हैं और यहां पे हम समरी डिलीट भी कर देंगे, उसमें दिक्कत नहीं क्योंकि सर इसका तक बड़ा हो जाता है, इसलिए समरी जहां समरी है वहां डिलीट कर देते हैं, वो सिलेक्ट करने पे आ जाता है। अब जैसा हमें रिजल्ट आ गया तो अब इस डेट को यहां नहीं रखना है, कॉपी करते हैं और जहां पे हमने दिया है G5 इसके जगह पे ब्रैकेट में इसको डाल देते हैं ताकि एक फॉर्मूला बन जाए और फिर यहां भी हम सेम काम करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे और यहां हम क्या करेंगे I5 में ब्रैकेट में इसको पेस्ट कर देंगे।
लेकिन नीचे ड्रैग नहीं कर सकते, नीचे ड्रैग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा तब जाके इसको ड्रैग कर सकते हैं। एफएट नहीं, एफएट का फ्रीज नहीं होगा, इसको फ्रीज करते हैं और यहाँ जी फोर फ्रीज हो जाएगा, जी टू फ्रीज रहेगा तो ये फ्रीज कर देते हैं, I4 फ्रीज रहेगा, G2 फ्रीज रहेगा, पीछे की तरफ ड्रैग करते हैं। सही है। अब मैं जैन से जुलाई कर दूं या जैन से मार्च कर दूं, आपका टोटल आएगा। समझ पाए कि नहीं सर? अब मुझे यहां पे क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो राइट का फॉर्मूला लगाना है, इसमें राइट का फॉर्मूला लगा के इसमें से राइट से एक लीटर अलग करना, राइट से हमने एक लीटर को अलग कर दिया, बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम चूज का फॉर्मूला याद होगा ये डालेंगे, इफ वन है तो यहां पे जैन, हर महीने का स्टार्टिंग, हर क्वार्टर का स्टार्टिंग मंथ, तो पहले क्वार्टर में जैन होता है, दूसरी क्वार्टर में अप्रैल होता है, तीसरी क्वार्टर में जुलाई, सेप्टेंबर, अक्टूबर से इसमें माफ कीजिए, इसमें चूज डालना होगा, ध्यान आ गया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि वन डैश फिर वन डैश हमने इस डेट को ले लिया, तो ये क्या हुआ, हर क्वार्टर का स्टार्टिंग डेट आ गया। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पे हम सम इफ्स, हम देंगे अपना सम रेंज की क्वांटिटी है, क्राइटेरिया वन रेंज हमारा सिटी है और क्राइटेरिया वन जो है हमारा ये यहां पे पुणे आ जाता है, क्राइटेरिया टू में हमारा डेट है, डेट होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू और एन परसेंट के साथ हम समरी में हमारा जो क्वार्टर का स्टार्ट डेट है वो ले लेंगे। अब आता है क्राइटेरिया टू रेंज भी हमारा वही है और क्राइटेरिया टू यहाँ पे हो जाएगा कि लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे हम एन परसेंट देते हैं, ईओ मंथ लगाएंगे, ईओ मंथ इसलिए लगाएंगे क्योंकि मुझे लास्ट डेट चाहिए ना इसकी क्वार्टर की, तो जैसे कि हमने ईओ मंथ में बताया था कि अगर हम यहाँ पे दो दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक जनवरी है, अगर हमने दो दे दिया तो ये मार्च का लास्ट डेट देगा ना, दो महीने बाद का लास्ट डेट देगा, तो क्वार्टर आ जाएगा जैन टू मार्च, ये आपके सामने। तो आगे ड्रैग करने से पहले हमें कुछ करने पड़ेंगे, जैसे L7 का 7 फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीज ही होगा और इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ जहां पे हमने कौन सा L7 समरी आपने लिया है K8, ठीक है, इसको फ्रीज करते जाता हूं, मैंने इसको फ्रीज किया, मैंने इसको फ्रीज किया, मैं K8 का K फ्रीज करूंगा, डेटा को फ्रीज किया हमने, समरी L6,
समरी एल सिक्स जो है इसको डिलीट करूंगा मैं, इसके जगह पे जो फॉर्मूला हमने कॉपी किया है ना उसको पेस्ट करूंगा, फिर डेटा हम इसको फ्रीज करेंगे। ईओ मंथ में जहां पे हमने एल सिक्स लिया है इसको हम डिलीट करेंगे, इस जगह पे जो है हम उसका फॉर्मूला पेस्ट करेंगे। अब मैं इसको आगे पीछे सब जगह पे ड्रैग कर दूंगा तो देखेंगे कि क्वार्टरली रिपोर्ट ईयर वाइज आ गया, ठीक है। समझ आ गया दीपक जी? हाँ सर। डाउट तो नहीं है? नहीं सर, थोड़ा बहुत डाउट है, बताता हूँ कुछ। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए दोनों क्वेश्चंस की, तीन क्वेश्चंस आ गए हैं, तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर तीन क्वेश्चन समझ में आपको आ जाता है तो चौथा क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, चौथा क्वेश्चन नहीं समझ में आता है मतलब कि आप इससे पहले के क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए। तो ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ। विक्की जी? हाँ जी सर। फाइल मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। और कल से हम बात करेंगे फॉर्मूले के अगले चैप्टर, इंफॉर्मेशन फॉर्मूला और बाकी जो फॉर्मूले की कैटेगरी बची है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है सर। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला, डी सम डी काउंट जैसे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले के बारे में आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास इस तरह का डेटा है, मुझे इसमें टोटल चाहिए, बट टोटल के लिए मेरे पास क्राइटेरिया है कि फाइनेंस और पूजा का क्वांटिटी का टोटल चाहिए, हेल्थ केयर में गेट एमआरपी ग्रेटर देन 10 हो उसका टोटल चाहिए, और सर्विसेज में क्वार्टर 3 का टोटल चाहिए। तो अगर हम सम इफ्स लगाएंगे तो 1 by 1 सब में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वल मैं जो है क्या करूंगा, डी सम डेटाबेस सम। देखिए डी सम डी काउंट डेटाबेस की जितनी फॉर्मूले है सबको लगाने का तरीका एक जैसा। तो डी सेम हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, फिर किसको सम करना है तो क्वांटिटी को सम करना है, या क्वांटिटी को सिलेक्ट कर दे या ब्रैकेट में दे दे कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पे देता है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया को आप हेडिंग के साथ जो क्राइटेरिया आपका है उसको सेलेक्ट कर दें और एंटर प्रेस करें। रिजल्ट आपके सामने 214 आया। तो इसने फाइनेंस में पूजा को लिया, हेल्थ केयर में इसने ग्रेटर देन क्या लिया, सर्विसेज में इसने क्वांटिटी क्या लिया, तो डी सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। ऐसे ही आप अगर डी काउंट चाहते हैं तो डी यहाँ पे डी काउंट में डेटाबेस को सिलेक्ट कीजिए, बाद आप जिस फील्ड को काउंट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और क्राइटेरिया को सेलेक्ट। एक्सक्यूज मी सर, ये टेबल फॉर्मेट में ऐसा तो नहीं है? नॉर्मल है, नॉर्मल है, सिंपल में भी चलेगा, नॉर्मल एक्सेल में भी, ये जो नॉर्मल एक्सेल है, टेबल तो नहीं है, नॉर्मल ही है, पर टेबल टूल्स आ रहा है नहीं आ रहा है?
ठीक है रिवीजन खत्म। चार काउंट है सर, चार मैच किया इसने। ठीक है कि आप पहले गया फिल्टर लगाया आपने फाइनेंस का, लगाया फाइनेंस में पूजा को देखा तो फाइनेंस में पूजा इसने एक यहाँ पे रख दिया। फिर दूसरा बार उसने क्या किया फिल्टर लगाया, किसका फिल्टर लगाया हेल्थ केयर में और ग्रेटर देन 10 में, फिर ग्रेटर देन 10 वाला उठा लिया, जैसे कि ये दो दो या तीन हो गया ना। हाँ जी। फिर यहाँ पे आया और तीसरा सर्विसेज को लाया उसने। सर्विसेज में क्या था, सर्विसेज में तो क्वार्टर थ्री एक है तो चार हो गया ना सर। ओके इस तरह से चार एंट्री पकड़ी है क्वांटिटी काउंट काउंट से काम काउंट ही करना का है ना इससे वह क्या पे काउंट किया ऐसे आपका डी काउंट अगर लगाते हैं डी काउंट ए तो क्या कहेगा टेक्स्ट डेट और इसलिए क्या है कि टेक्स्ट को काउंट नहीं किया, मान लीजिए आपका नेम को काउंट करना है रीजन को काउंट करना है मान लीजिए, तो हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया। लगाने का तरीका सेम है, डेटाबेस को सिलेक्ट कीजिए रीजन को सिलेक्ट किया और क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया। तो आप इसमें एफएक्स में आइए और एफएक्स में यहां पे आप सिलेक्ट कीजिए डेटाबेस फॉर्म। अब इसमें देखिए डी एवरेज आपका एवरेज निकालता है, डी काउंट काउंट निकालता है, डी काउंट ए निकालता है, डी मैक्स मैक्सिमम डी मीन मिनिमम डी को मल्टीप्लाई करता है, डेविएशन निकालता है, डी सम ए वेरिएंट निकालता है। ये फॉर्मूला लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज ओके ठीक है। प्रोडक्ट क्या मल्टीप्लाई करता है सर, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ठीक है। इसमें डी गेट का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे फाइनेंस में इंद्र का टोटल चाहिए, समझे जी, फाइनेंस में इंद्र का टोटल चाहिए तो वी लुकअप वाले मेथड में आपको ज्वाइन ज्वाइन करना पड़ेगा ना। जी जी जी। यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आप डी गेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डी गेट ठीक है, डेटाबेस को सिलेक्ट कीजिए कॉमा फील्ड क्या चाहिए मुझे क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया और क्राइटेरिया में हमने सिलेक्ट कर लिया जो क्राइटेरिया था, यहाँ देखिए 51 आगे रिटर्न क्लियर है, बट इसकी अरे रिपीट हो गया ये एरर है मतलब कि आपको रिजल्ट तभी देगा जब कंडीशन आपने दिया है वो यूनिक हो, यूनिक हो होता है तो फिर आपका ये नहीं होगा। तो डेटाबेस वाले फॉर्मूले आप अप्लाई कीजिए तो इसके लिए अगर यूनिक है और उसके लिए भी करना है तो उसके लिए क्या फिर डी सम
डेटाबेस के बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर्मूले। देखिए इंफॉर्मेशन फॉर्मूला जो है मोस्टली फॉर्मूला ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जैसे कि इंच की फॉर्मूला की बात करें, इंच ब्लैंक, अगर सेल ब्लैंक है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। इंच एरर, अगर एरर है तो देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इंच एरर, अब दोनों इंच इंच ई एरर में मतलब हुआ कि सारे एरर को देख, जैसे यहां पे अगर मान लीजिए कि डीआईवी का एरर आया तो ट्रू आता है, बट एनए का अगर एरर आता है तो एनए को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। नीचे का फॉर्मूला जो इंच एरर है वो एनए के साथ कर लेता है। तो 2003 में जब हमारे पास इफ एरर का फॉर्मूला नहीं था ना सर जी, उस समय हम इसी का यूज करते थे। कैसे करते थे, इफ अगर ए यहां पे इज एरर ट्रू है तो ब्लैंक, अदरवाइज यहाँ पे हम कुछ नंबर देते हैं, चाहे इसी को मेंशन करते हैं। ब्लैंक है ना, यहाँ पे नंबर होगा, रिजल्ट आएगा। इज एरर का यूज करते थे, उसी तरह से आपके पास यहाँ पे आता है इज एरर के बाद इज इवन, अगर नंबर इवन हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इज फॉर्मूला, उसमें फॉर्मूला लगा हुआ है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इज लॉजिकल, अगर रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आया हुआ है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। उसे लोग ट्रू को लिख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं इस तरह से, या ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर आप इसको और इज ट्रू के अंदर डालें तो फॉल्स आ जाएगा, इज लॉजिकल। ट्रू फॉर्मेट में हुआ तभी आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इस तरह से इज एनए, अगर एनए हुआ तो ट्रू एंड फॉल्स। सर ये कहाँ पे यूज होता है ये अभी? इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला, इन्फॉर्मेशन। अब जैसे आप सुनते होगे ना कि इन्फॉर्मेशन स्टोरी हो रहा है, आप बोले कि मेरा मोबाइल नंबर और मेरा नाम और ईमेल आईडी को जान के मुझे क्या कर रहे। तो अगर वो सही पर्सन का आंख में लग जाए तो वो आपकी इंफॉर्मेशन से बहुत चीज कर सकता है, आपके वो प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या किसी भी सर्विसेज को लेने के लिए मोटिवेट कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है, समझ गए ना, कॉल्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू, मेल्स के थ्रू। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन है। आगे चल के अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पहला लगाया था, क्या लगाया था, इज ब्लैंक। मान लीजिए मुझे यहाँ देना है कि अगर ये ब्लैंक हुआ तो कुछ तो ओके करना, अगर पेंडिंग करना है तो आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, कि इज ग्रेटर देन जीरो करेंगे ना जी, देन ओके, अदरवाइज पेंडिंग। अब यहां पे माइनस में कोई फिगर दिया होगा तो काम कर रहा है आपका? नहीं सर। आपको ब्लैंक पे करना है और आपने ग्रेटर देन जीरो दिया, बट क्या है कि आपके सिस्टम में एक क्या है, माइनस है। जैसे ब्लैंक भी हो सकता है, जैसे ये ब्लैंक है, ठीक है। अब मैं यहां पे करूं कि इफ अगर ए ग्रेटर देन जीरो तो यहां पे क्या क्यों, क्योंकि इसने फॉर्मूला के थ्रू ब्लैंक किया, बात समझे। तो हम इच ब्लैंक को अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे कि इफ इच ब्लैंक अगर ट्रू है तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग।
समझ में आ गया सर? जी सर। हाँ यूज होता है। चलिए एक और एग्जांपल, इसके फॉर्मूले सीख गए। अब चलिए एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कि मुझे मेरा सीट का नाम चाहिए, जिस सीट पे मैं टाइप कर रहा हूँ सीट का नाम मुझे चाहिए। तो इंफॉर्मेशन फॉर्मूले में भी होता है सेल। सेल फॉर्मूले अगर आप लगाते हैं तो इसमें ध्यान देना होता है फाइल नेम। फाइल नेम को अगर आपने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, ये पूरा का पूरा क्या देगा? पाथ देगा। अब मैं इसकी सीट नेम अलग कर सकता हूं कैसे? मैं यहां पे फाइंड का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहां सिलेक्ट करूंगा, बता दिया 36। अब मैं राइट का फॉर्मूला लगाता हूं, इसको बोलता हूं कि इसमें से इसकी कंप्लीट लेन आ गया। अब सीट का नाम मैं कुछ भी दूंगा, मैं इसका सीट का नाम दे दिया एरे। एंटरप्रेस कीजिए, एरे आ गया। तो इंफॉर्मेशन फॉर्मूले क्या करता है कि उसका सिंगल कोई रोल नहीं, सिंगल तो आपको लगेगा टाइम वेस्ट कर रहा है, बट किसी फॉर्मूले के साथ जुड़ता है तो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है जी सर। ऐसे ही मान लीजिए अभी आप इफ एरर यूज करते हैं ना, आप सर इमेजिन कीजिए कि 2003 में जब इफ एरर नहीं था तो हम लोग इज एरर का कितना यूज करते थे। पास यहाँ पे इन्फो का फॉर्मूला है आपके पास। इन्फो का फॉर्मूला क्या करता है? ये बताता है कि आपका सिस्टम क्या है, डायरेक्टरी क्या है, रिलीज क्या है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि मेरा रिलीज क्या है 6.0। 6.0 मतलब 2016 नहीं, 2019। इसको अब इसको देखने के लिए काम और भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करते थे, जब इन्फो फॉर्मूला मुझे पता नहीं था तो हम लोग जाते थे सी ड्राइव में, सी ड्राइव में जहां पर विंडोज स्टोर है, उसमें प्रोग्राम फाइल, उसमें एमएस ऑफिस। तो यहाँ पे देखिए ऑफिस 15 है, मतलब कि 2016 के बोल रहे समझे, और ऑफिस 16 है, ऑफिस 14 मतलब कि 2003, ऑफिस 15 मतलब 2000 नहीं, ऑफिस 40 मतलब 2007 नहीं सर, ऑफिस 16 मतलब होता है ऑफिस 2003 का था, आपका 13 का आया, 7 का था 13, 7 का 12 था, 10 का 13 था, 2003 का 14 था, 2016 का 15 है, 2019 का 16 है, रिलीज वर्जन। आप माइक्रोसॉफ्ट है तो कंफ्यूजन हो गए, तो आप क्या करेंगे, इन्फो लगाएंगे फॉर्मूला। इन्फो में आप सिलेक्ट कर लेंगे सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में बता देगा कि मेरा डॉस बेस्ड सिस्टम, ठीक है? ओके। मैक होगा तो मैक देगा, लिनक्स होगा तो लिनक्स देगा। क्लियर है? उसी तरह से आप मान लीजिए कि इस पे डेटा डाला हुआ है, ये डेटा का टाइप क्या है, किस तरह का डेटा डाला हुआ है, तो टाइप यूज कर लीजिए। वन मतलब नंबर, टू मतलब टेक्स्ट, वो नंबर अधूरा अलग है, नंबर और इसको ब्लैंक को भी नंबर में घुसता है। उस तरह से यहाँ पे सेल के अंदर भी आप टाइप ले सकते हैं, यहाँ पे टाइप है ये अलग देगा का, हमें सेल को सिलेक्ट करें। एन मतलब लेटर, बी मतलब ब्लैंक, बी मतलब वैल्यू, समझे? और एरर है तो क्या करेगा, एरर तो वी आता है, ये डेट में भी वैल्यू ले रहा है,
नंबर ही होता है सिस्टम के लिए. ओह राइट राइट. तो आप क्या कीजिए, अब आप कीजिए एफएक्स पे जाइए. एफएक्स पे जाने के बाद डेटाबेस वाले सारे फॉर्मूले को टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ इंफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले को आप जो है पूरा चेक कर लीजिए. ठीक है, जो फॉर्मूला समझ में ना आए उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम बढ़ेंगे फाइनेंशियल फॉर्मूले के पास. ठीक है भुवन जी. ठीक है सर. ठीक है सर. राइट सर, पिछली दो तीन क्लास अटेंड नहीं हो पाई नेटवर्क की वजह से. सर एक आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल फॉर्मूला. फाइनेंशियल फॉर्मूला ऐसे तो बहुत ज्यादा है और उस सारे फॉर्मूले को समझने के लिए फाइनेंस बैकग्राउंड होना चाहिए आपकी. तो हम जो क्लासेस दे रहे हैं कि किस तरीके से हम उतना सीख सके जितना हमें ऑफिस में जरूरत पड़ती है या फिर जितना हम समझ पाते हैं. तो फाइनेंस फॉर्मूला में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग परमिशन. हाँ, रिकॉर्डिंग की परमिशन मैं अभी दे रहा हूँ आप लोगों को. भुवन जी आपने तो सेलफोन से ज्वाइन किया. जैसे यहाँ पे हमने 50,000 दिया, 50,000 मान लीजिए हमने लोन लिया हुआ है, मतलब कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो 50,000 रुपीज है और हमारा जो रेट है वो रेट मान लीजिए हमारा 8% है और जो आपका टाइम है वो टाइम मान लीजिए 3 साल का है. तो इसकी ईएमआई कितनी होगी, ये ईएमआई हमें निकालना है. ओके जी. तो ईएमआई के लिए फॉर्मूला होता है पीएमटी. पीएमटी रेट. तो इसमें मंथली आपका है इसलिए आपको मंथली देना पड़ेगा. तो ये आपका रेट 8% ईयरली है. तो मंथली हो गया और टाइम जो आपका है वो है ईयरली है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया. पीवी मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू हमारा 50,000 है. एंटर मारिए आपके सामने आ जाएगा कि आपका 156 जा रही है ना इस काम के 50,000 करेंगे. हाँ, तो अब आप देखेंगे 1566 रुपये आपका आ रहा है. पीएमटी फॉर्मूला समझ में आ गया. तो पीएमटी फॉर्मूला का यूज हम ये करते हैं, लेकिन इसमें मान लीजिए कि अगर हमारा चेंज होता है कि हमें फ्यूचर में 50,000 रुपए चाहिए. ठीक है, रेट जो हमारा है मान लीजिए 8% है और 3 साल बाद चाहिए हमें, तो मैं कितनी ईएमआई जमा करूं. अब बोले सर दोनों में अंतर क्या है. अंतर है ये लोन है और ये रेकरिंग है. ओके, मतलब कि इसमें आपको 50,000 मिल गया और आप ईएमआई चुका रहे हैं. इसमें क्या है कि 50,000 आपको मिलेगा कब, जब आपका पूरा हो जाएगा. आपको 2,000 अभी से देना शुरू कर देना, डिपॉजिट्स है, सेविंग्स है. इसमें भी पीएमटी लगेगा तो थोड़ा सा चेंज होगा. इसमें आपका रेट को डिवाइड किया 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई किया 12 से. अब यहाँ पे पीवी नहीं होगा क्योंकि ये 50,000 मुझे अभी नहीं मिलने वाले. कब मिलेगा, एफ बी की जगह पे हमें डालना है इसको. तो रिकॉर्ड आ गया 1233 रुपया. अब आप बोल रहे सेम इंटरेस्ट है, सेम टाइम है, तो फिर इसका कम ईएमआई और इसका ज्यादा क्यों. बोलिए सर, मतलब बैंक 50,000 पहले दे देती है तो मुझे ज्यादा पैसा लेती है, जब मैं जमा करना चाहता हूँ तो मुझे कम देती है, क्योंकि इंटरेस्ट दोनों का सेम है. नहीं सर, उसमें क्या है कि आपको पहले उसमें तो 50,000 से रिड्यूसिंग मेथड में जाएगा. देखिए, पहले आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैनुअली समझाता हूँ. मैं मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी सिंगल्स में. मान लीजिए कि ए हमारा हो गया, ए क्या हो गया हमारा लो.
जब लोन होता है तो क्या होता है कि 50,000 आपको रुपया मिल गया, इसमें हर महीने इंटरेस्ट होगा यहाँ पे 8% डिवाइड बाय 12, मतलब कि महीने की आखिर में आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 333 रुपए और ये प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, कि महीने के अंत में बैंक का पैसा हो जाएगा 50,333 रुपया, पर आपने जमा कितना किया, जमा किया 1,566.82। तो अगले महीने क्या होगा, अगले महीने होगा आपका इसमें से आपका घट जाएगा, राइट। और फिर एक कैलकुलेशन जो है चलेगी कब तक, 36 जीरो 36 महीने तक ना, 1556 है लेके 1566.75 आ गया, कुछ पैसे का डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होगा क्योंकि 82 नहीं ना है ये, इसको अगर आप करेंगे तो कुछ डेसिमल्स है यहाँ पर आपको, इसलिए कुछ पैसे का डिफरेंस आएगा। ये होती है लोन की कैलकुलेशन, जो आप 1566 जमा कर रहे हैं उसमें आपका मूलधन जो है कम होता है और ये आपके इंटरेस्ट होता है, तो हर महीने इंटरेस्ट घटते चला जाता है। अगर हम बात करें इसकी जमा करने की, तो आपने क्या किया, 1233 आपने जमा किया और ये आपका 8% डिवाइड बाय 12 और महीने के अंत में जो आपका इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 8 रुपए और एक 8 रुपए जो है इस पे ऐड हो ये अगले महीने के लिए जो रेट जो इंटरेस्ट चार्ज होगा 1,248 पे होगा। हाँ लाभ ये हो गया। अब अगले महीने फिर 1,248 आपने जमा किया, अगले महीने 1,248 1,233 रुपए जमा किया, नहीं 1200 यहाँ पे अगले महीने हमने 1,233 जमा किया और 8 जमा किया और प्लस 1,241 भी ऐड होगा। हाँ जी हाँ जी। अगले महीने जो पैसा जमा करने के बाद आपका 2,475 का मूल्य हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर इस पे चलेगा तो फिर इंटरेस्ट आपका देखिए डबल हो गया। तो ऐसे ही आपका इंटरेस्ट बढ़ते चला जाएगा, लास्ट में 50 ये देखिए ये आपका एक्चुअली यहाँ आता है, ये दिख रहा है आपको सर, राइट राइट राइट। 50वें महीने तो आप पैसा ले रहे हैं ना, 36,000 मैंने कंप्लीट कर दिया ना, इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी यहाँ पर, तो कुछ पैसे का डिफरेंस होगा, मैंने बताया क्यों डिफरेंस होगा। तो इस तरह से किसी को समझा सकते हैं, तब एक बार मैंने बनाया था तो समझ नहीं पा रहे थे इंटरेस्ट कैसे किया हुआ, तो मैंने इस स्लैब पे बनाया कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज होता गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है कि हर महीने या हर एक पर्टिकुलर पीरियड में इंटरेस्ट जुड़ जाता है किसमें, प्रिंसिपल में। क्लियर है जी सर। इंटरेस्ट इसमें कितना डिफरेंस देख लीजिए, अब ये आपको पीएमटी समझ में आ गया, तो नहीं पीएमटी में नहीं एफडी फ्यूचर वैल्यू इसी का मतलब, मुझे महीने महीने जमा नहीं करना है, मुझे 3 साल बाद पैसा देना है तो कितना बनेगा, तो इसमें लगाएंगे फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू और हमने यहाँ पे दिया रेट डिवाइड बाय 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 और पीएमटी नहीं यहाँ है। तो आपका 63,511 रुपए बनेगा। फिर हम टाइप नहीं कर रहे ना, टाइप 1 और 2 मतलब कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एंड। तो टाइप का मतलब हाँ टाइप का मतलब होता है कि ईयर का 360 या 365 है। टाइप का मतलब ये होता है सर, हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन बिगिनिंग ऑफ द मंथ करा रहे हैं एंड ऑफ द मंथ करा रहे हैं या फिर ईयर क्या होता है सर? हाँ ये होता है सर, ये होता
ठीक है ना, टाइप इज द वैल्यू द रिप्रेजेंटिंग द टाइमिंग ऑफ पेमेंट, पेमेंट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, बिगनिंग ऑफ द पीरियड हुआ वन और पेमेंट एट द टाइम पीरियड जीरो एट द ऑप्टिमम. डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, समझ में आ गया? तो अभी जैसे कि हमने ए निकाल लिया, हमने यहाँ पे ईएमआई निकाल लिया, लेकिन मान लीजिए कि कोई बंदा कहता है कि नहीं नहीं मैं 1500 रुपया ईएमआई जमा करूंगा, 1500 रुपये ईएमआई जमा करूंगा, रैकरिंग पे 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 सालों पे जमा करूंगा, अब मुझे बताइए कि मेरा कितना पैसा बने. फ्यूचर वैल्यू निकालनी है हमें. हाँ, तो इसमें भी हम एफवी का यूज करेंगे, फ्यूचर वैल्यू, रेट डिवाइड बाय 12 टाइम, यहाँ टाइम बाय बाय 12 पीएमटी, यहाँ 1500 हो जाएगा, तो 7803 रुपया बनेगा, 1500 रुपया 8% से 3 साल जमा करते हैं, 7% जमा करते हैं तो 57,000 बनेगा, 7% देता है तो आपका 59,000 बनेगा. इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर. अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और ईएमआई अमाउंट हो और हमें लोन वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो, नंबर ऑफ इयर्स भी हो, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? क्या बोलना है समझने? हमारे पास ईएमआई अमाउंट है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे पास टाइम है, तो परसेंट वैल्यू निकालनी है, कितना लोन लिया है. नहीं, आप बोल रहे हैं कि आपके पास ईएमआई है, परसेंट वैल्यू भी कर लेंगे आप. हाँ जी, में रेट आपका हो जाता है, उसको डिवाइड कीजिए 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे और पीएमटी हमारा ये हो गया. एंटर दीजिए. आ गया, क्लियर है? तो इसमें आपने पीवी सीख लिया, एफबी सीख लिया, पीएमटी सीख लिया, क्लियर है? तो एक काम और कीजिएगा, फॉर्मूला मेनू बार में, क्योंकि अभी आउटलुक भी नहीं आया है, तो फाइनेंशियल फॉर्मूला में एक बार देखिएगा कि और कौन सा फॉर्मूला आपको सीखने लायक है और आपको जरूरत है, क्योंकि तो इसमें इसका फाइनेंस बैकग्राउंड होना चाहिए. जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एसवाईडी निकालता हूँ, एसवाईडी क्या करता है पता आपको? डिप्रिसिएशन निकालता है. डिप्रिसिएशन को पहले पता होना चाहिए क्या है. ये मेथड क्या लेता है डिप्रिसिएशन का? क्या मेथड क्या लेता है? हाँ, तो वही तो उसकी मैथमेटिकल मेथड पता होगी डिप्रिसिएशन का, तभी तो मैं आपको बताऊंगा ना सर. नहीं, मैं तो एक्चुअली कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, मेरा तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, इसलिए पूछ रहा हूं. हाँ, तो ये देखिए, इसमें अलग अलग मेथड है. ये जो यहाँ पे आप मेथड कर रहे हैं, रिटर्न द सम ऑफ द ईयर डिजिट डिप्रिसिएशन एंड असेस ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, दिख रहा है आपको? और इसमें कई सारे मेथड होते हैं इसके. हाँ
कॉस्ट माइनस एल्बस मल्टीप्लाई बाय लाइफ माइनस आपको रिटर्न द डिप्रिसिएशन एंड एसेट ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड यूजिंग द डबल डिक्लाइन बैलेंस समझे। और इसका भी हेल्प दिस फीचर्स में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसका भी दिख जाएगा, इस पे नहीं दिखा तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि हर किसी मेरा भी खुद का फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। ओके फाइनेंशियल फॉर्मूला में उतना ही कराता हूँ जितना आप समझते हो मैं समझ सकूँ। इसमें ए जो होता है आपका डबल डिक्लेयर मेथड में यूज करता है, फंक्शन बता तो नहीं रखा है लेकिन इसने फिर सिंपली बता दिया हुआ है कि डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड इस्तेमाल किया जाता है इसमें। पर लगाने का तरीका वही है जो इसका था कि आपको कॉस्ट देना है, सैलरी देना है, लाइफ देना है, पीरियड देना है और फैक्टर। ठीक है तो अभी हम फॉर्मूले की कैटेगरी वाइज फॉर्मूला हमने खत्म कर दिया। अब अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे एडवांस फॉर्मूले की, लेकिन कुछ दिन बाद। तब तक हम जो होम में जो मेनू बार बचे हुए हैं जैसे कि डेटा मेनू बार, फॉर्मूला के भी, इंसर्ट के भी कुछ बचे हुए हैं ना, उन मेनू बार को खत्म कर लेंगे। तब तक आप जो है फॉर्मूले की प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर लीजिएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे एडवांस फॉर्मूला। राइट, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला। हमने कैटेगरी वाली फॉर्मूला तो खत्म कर दी थी, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ ट्रिकी फॉर्मूले के बारे में। तो हम बात करेंगे फॉर्मूला मेनू बार के नेम के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो नेम मेथड के ऊपर है और ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है, प्लीज ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो डिफाइन नेम मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सिंपल सी बेसिक कंसेप्ट को पहले समझते हैं फिर इसके ऊपर आगे जाएं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला कुछ डेटा है, डेटा लेता हूं, कुछ डेटा है हमारे पास और मैं चाहता हूं इस डेटा का सम करना। तो बोले इसमें कौन सी एडवांस वाली बात है, हम तो सिलेक्ट करेंगे और सम कर देंगे। आपने क्या लिया है, रेफरेंस लिया है A1 से D22। इसको आप ड्रैग करेंगे तो रेफरेंस इंक्रीज डिक्रीज भी होता है और अगर किसी सीट से लेंगे, किसी भी सीट से जैसे मैंने यहां से लेता हूं तो फिर रेफरेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब कि सीट नेम भी देना पड़ता है। अगर इसका मान लीजिए कि इसको बार बार फ्रिक्वेंसली यूज करना है तो बार बार आपको यहाँ भी जाके सिलेक्ट करना हो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे रिपोर्ट जो बनते हैं एक फाइल में 15-20 रिपोर्ट अगर बन रहे हैं तो 15-20 रिपोर्ट में क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है उस डेटा के ऊपर जब हम सम करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें बार बार उस डेटा रेंज पे जाना पड़ता है और सम करना पड़ता है। उसका सलूशन क्या निकालते हैं कि इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिफाइन नेम दे देते हैं। इसमें नाम दे दिया डेटा, मैंने इसका नाम क्या दे दिया डेटा एंड ओके। अब मुझे कहीं भी सम करना है तो इसको हम बस डेटा लिखेंगे एंटर मार किसी भी सीट में। तो एक सहूलियत क्या हो कि आप इसको शॉर्ट नेम कर सकते, तो इसका जो है बहुत ही छोटा पार्ट ये बताया कि हमने बताया आपको। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूले। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर हम सेल्स दिए और यहाँ पे हम कुछ नंबर्स दिए, आपको याद होगा हमने आपको इफ का फॉर्मूला बताया था, जिसमें हमने बताया था नेस्टेड इफ, बताया था कि 0 से 40 के बीच में हो तो 500 का इंसेंटिव देना होगा, 40, 1 से 80 के बीच में होगा 1000, 81 to 100 के बीच में होगा तो 2000 एंड ग्रेटर देन 100 होगा 5000। इसके लिए आपने क्या किया था, नेस्टेड इफ का इस्तेमाल यूज किया था। इफ हमने इसको सिलेक्ट किया, अगर एक ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500, एंड इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है तो 1000, एंड अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो 2000, अदरवाइज 5000। फॉर्मूला या इससे भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि तो मैंने छोटा सा कंसेप्ट दिया, लेकिन कई सारे में केसेस में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पे हमने छोटा सा दिया इसलिए, लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला। भुवन जी आपने हमसे ट्रेनिंग ली है तो आपको इसके बारे में आइडिया है, लेकिन आपके कई सारे मैनेजर्स हैं या फिर आपके जूनियर्स हैं जिससे आप काम करवाते हैं, वो एक्सेल में उतना फैमिलर नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी कि आप उनको अगर देते हैं कि भाई इस फॉर्मूला लगा दे, तो इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाएंगे। उस केस में क्या करेंगे, हम डिफाइन नेम में जाएंगे और यहाँ हम देते हैं INC इंसेंटिव, और यहाँ हम इसको फॉर्मूले को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने पर ध्यान रखिएगा कि आप डॉलर साइन का यूज ना करें। अब नेक्स्ट टाइम मुझे लगाना होगा जस्ट इक्वल INC और एंटर प्रेस कर दीजिए, ये नीचे तरफ आ जाए। अगर मैं किसी और सीट पे जाके करूं INC, यहां पे एक छोटा सा दिक्कत हो गया कि किसी और सीट पे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सीट 2 ले रहा है। फॉर्मूले का सीट 2 हटाना पड़ेगा, ये ऐसे मार्क हटाना पड़ेगा। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को सिंपलाइज करने के लिए। और आपने देखा होगा पिक्चर में, थोड़ा पिक्चर लुकअप में भी आपने हमने इसका यूज किया हुआ। अब एक इस्तेमाल और हम आपको बताते हैं, वो इस्तेमाल है पिवट टेबल का। इस्तेमाल क्या है इसका, पिवट टेबल का है। तो छोटा सा डेटा हम ले लेते हैं यहाँ पे। क्या है कि आपके पास कुछ ऐसा डेटा होगा जो हर दिन आपको आता होगा, और उसको आप कॉपी पेस्ट करते हैं, और कॉपी पेस्ट करने के बाद फिर उस पर पिवट लगाते हैं, या पिवट पहले से लगा होता है, कॉपी पेस्ट करते हैं और डेटा रेंज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है मोहन जी, रेंज को इंक्रीज करते हैं। अब मुझे इस पे इसी तरह का फॉर्मूला चाहिए, सर्विस चाहिए जिससे हमारा बेनिफिट हो। अब इसमें क्या है कि अगर मैंने सेलेक्ट किया पिवट इंसर्ट कर लिया, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम इसमें होती है कि हमने मान लीजिए डेटा बना लिए, अपडेट कर दिए, हो गया, लेकिन मान लीजिए कल के डेट में मेरे पास कुछ और डेटा आया, उस डेटा को हमने इसके नीचे पेस्ट कर दिया, अब फॉर्मूला में ऑटो अपडेट नहीं होगा। इसके लिए हमने एक्सेल में पिवट टेबल और बहुत सारे तरीके बताए थे, लेकिन वो सारे तरीके में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो दोबारा अपडेट करें या उस प्रॉब्लम को फेस करें, उससे अच्छा है कि आप नेमिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकें। ऐसे कोई इस एरिया को नाम दे देंगे तो बात भी वही होगी, हम नाम देंगे लेकिन नाम देंगे विद फॉर्मूला। हमारे पास एक ऑफसेट का फॉर्मूला होता है जो कि रेंज बनाता है,
ऑफसेट, जैसे ऑफसेट का मतलब समझिए क्या होता है, रेफरेंस दे दिया हमने कॉमा, रो नंबर पहले रोज के दो कॉलम, अगर हमने यहां तक लेके एंट्री मार दिया तो ये इंडेक्स की तरह काम करता है कि यहां से चलता है यहां से 01012 और इस नंबर को इसने शो कर दिया। तो इस क्या होता है, इसका नंबर शो नहीं करता है, क्या करता है इसका एड्रेस शो करता है, मतलब कि इक्वल C2। अब यहीं पे अगर मान लीजिए मैं इसकी हाइट को 2 और विड्थ को 2 कर देता हूं तो क्या होगा, देखिए इसने पूरा डेटा उठा लिया। अगर मैं इसको सम में डालूंगा तो आप देख पाएंगे करता क्या है, फॉर्मूला एवलेट कीजिए पता चलेगा। एवलेट किया तो मुझे पता चला कि C2 से C3 मतलब इसने क्या किया, A1 से 1 करोड़ नीचे आया 01, उसके बाद 2 कॉलम आगे गया 012 और वहां से उसने 2 रो C2 एंड C3 एंड 2 कॉलम मतलब कि C एंड D कॉलम लेके एक एड्रेस बना दिया। तो इसका यूज हम थोड़ा सा कर सकते हैं, कैसे देखिए, हम क्या करेंगे A1 से स्टार्ट हुआ यहाँ पे 0 रो एंड 0 कॉलम दे देते हैं तो क्या होगा कि A1 ही रहेगा। हाइट में हम बोल देते हैं कि काउंट A, हमने बोला कि इसका पूरा का पूरा जितना डेटा टाइप है, काउंट A क्या करेगा कि इस कॉलम में जितना डेटा टाइप है उतना काउंट दे देगा, और यहाँ विड्थ में भी हमने यहाँ पे काउंट A लगा लिया और बोला कि पूरा का पूरा हमारा कॉलम। तो जितने हेडिंग्स है उतने काउंट कहां आ जाएंगे, विड्थ में, और जितने डेटा है उतने काउंट आ जाएंगे हाइट में। अगर आप इसको एवलेट करेंगे, फॉर्मूला एवलेट करेंगे तो काउंट ए ने दिया 317 और काउंट ए दूसरा काउंट ने दिया 11, तो ऑप्शन क्या मिला, A1 से जाओ 00 कॉलम मतलब सेम A1 पे ही, वहां से इसकी हाइट 317 और विड्थ 11 ले लो। इसने क्या किया, इसने पूरा डेटा ले लिया A1 से 317 जो कि हमें पिवट को देना होता है, लेकिन डायरेक्ट पिवट इस ऑफसेट फॉर्मूला को पिक नहीं करेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इनको फ्रीज करता हूं और फ्रीज करने के बाद इनकी फॉर्मूले को लेता हूं और चला जाता हूं डिफाइन नेम में। डिफाइन नेम में हम इसका नाम DT रख देते हैं और इक्वल हम इसको पेस्ट करते हैं एंड इनमें हाँ एड पॉकेट। अब मैं कहीं पिवट लगाऊंगा तो पिवट लगाते समय इंसर्ट और सिर्फ इसमें इक्वल DT कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए, आपका पिवट लग जाएगा। बल्कि रेट में डेटा अगर इंक्रीज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे नेम रख दिया और मान लीजिए जैन का टोटल यहाँ दे दिया, तो अभी देखिए टोटल 15,282 है। अब मैं डेटा को रिपीट कर देता हूं, मैं पूरा डेटा को यहां कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर देता हूं, देखिएगा कि रिफ्रेश करते ही ये ऑटोमेटिकली 3000 हो जाएगा, 20000 हो जाएगा। तो इसने ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया किसकी मदद से, नेमिंग मेथड के मदद से। तो नेमिंग मेथड में हम फॉर्मूला डाल के उसको हम फिक्स कर सकते हैं, उसको कहीं और यूज कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। अगर इसको और ज्यादा समझना है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सीट पे ही राइट क्लिक कीजिए और कीजिए इंसर्ट। इंसर्ट में यहाँ स्प्रेडशीट दिखेगा और स्प्रेडशीट में आप यहाँ पे लोड नोटिफिकेशन को क्लिक करके ओके कीजिए। अब ये प्रोटेक्ट दिख रहा है, इसको यहां से अनप्रोटेक्ट कर दीजिए, रिव्यू में अनप्रोटेक्ट, पर पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। अब देखिए हर किसी के से नाम दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है लोन, नेम बॉक्स में देखिए लोन अमाउंट, इसमें इंटरेस्ट रेट, इस सब का एक दिया हुआ है। अब मान लीजिए इसमें कुछ भरता हूं, 50,000 का लोन है, इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 7% है, पीरियड मान लीजिए 3 साल है, नंबर ऑफ पेमेंट साल में 12 होते हैं और लोन स्टार्ट 8 से। जैसे एंटर मारेंगे पूरी कैलकुलेशन होगी, दिखा देगा कि कितने का ईएमआई किस किस दिन देना है, कितना ईएमआई पड़ेगा वगैरह, यहां पे आपको दिखा दिया।
और यहां पे आपके सामने डेटा आ गया। अब इसमें एक चीज देखिए कि इसने फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो इसमें कहीं पे A1, B1, C1 का रेफरेंस लिया हुआ है। राघवन जी नहीं, नेम मैनेजर यूज किया हुआ, इसने नेम मैनेजर यूज किया हुआ, पूरी कैलकुलेशन को इसने नेम मैनेजर के थ्रू किया। तो यहां डिफाइन, यहां पे नेम फॉर्मूला में नेम मैनेजर पे जाए, देखिए इसने हर किसी के नेम डिफाइन किया। इसको फॉर्मूला लगाने में आसानी होती है क्योंकि बार बार एरिया को देखना नहीं पड़ता कि हाँ इसका A1 है या B1 है C1 है, तो आप इसका नेम मैनेजर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अगर करना है और इनपुट आपके लिमिटेड है, जैसे कि इनपुट इसका लिमिटेड है ना, इसे सबका नाम दे दिया और इसने अपनी कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी। ओके, आगे समझ में। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल में हम फॉर्मूला मेनूबार पे हैं, हमने फॉर्मूला कर लिया, हमने नेमिंग मेथड कर लिया, अभी कुछ मिसलेनियस चीजें हैं, चलिए उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी सेल में किसी और सेल से लिंक कर रखा है, तो अगर यहाँ पे चले लिखा हुआ है आपका A1, तो समझ के A1, कभी कभी क्या होता है इसमें नेम दिया होता है, तो मुझे पता करना होता है कि इससे कोई डिपेंडेंट तो नहीं है, एक किससे डिपेंडेंट है ये आपको इससे पता है, पेरेंट से, और डिपेंडेंट्स को करते हैं इसमें रिमूव करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये बता देगा कि इससे डिपेंडेंट है। तो जब हम नेमिंग मेथड यूज करते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर है कहां पे, तो वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया इंसर्ट, और हमारे पास एक लोन ऑथराइजेशन सीट होता है जो कि मैंने कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, एंड ओके एक मैं दीपक जी का फोन आ रहा है। हाँ दीपक जी, तो जैसे कि यहाँ हमने लास्ट क्लास में इस पे डिस्कस किया था कि 50,000 है एनुअल रेट, मान लीजिए 7% है, 6 साल है, आज से 12 है और आज से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा डिटेल आ जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने इसको समझने की कोशिश की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पे फॉर्मूला ही आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में आप देख रहे हैं ना, ये नाम ये दिख रहा होगा, तो मुझे पता करना है कि किस किस से डिपेंडेंट है। तो फॉर्मूला बार में यहाँ डिपेंडेंट होगा, तो इससे डिपेंड हो गया, पता चल गया कि ये जो है इससे भी है और इससे भी है। ठीक है सर, अब मुझे पता करना है कि इससे कौन कौन, मान लीजिए कि मुझे एक कॉलम हटाना है, तो हटाने से पहले मैं चेक कर लूंगा, मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है मान लीजिए, तो मुझे पता कर लेना होगा क्या इससे कोई फॉर्मूला लिंक तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इस पे हम क्लिक करें, सॉरी डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे, तो मुझे बता देगा कि ये इस इतने सारे जो लिंक इससे, तो डिलीट करने से पहले हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रिमूव एरर। और जैसे कि कभी कभी डेटा में हमें पता नहीं चलता कि कौन सा डेटा फॉर्मूला लगा है, कौन सा मैनुअल टाइपिंग है, तो यहां आप सो फॉर्मूला में क्लिक करेंगे, ये फॉर्मूला ऑडिटिंग मोड में आ जाएगा, तो सेल के डेटा नहीं, सेल के फॉर्मूले ही शो होंगे, वापस कॉन्चेक करेंगे तो वापस आपका डेटा शो हो जाएगा। एरर चेकिंग, इस पे देख सकते हो कि सीट में कहां कहां पे एरर है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट एरर दिख रहा है, यहां पे एरर दिख रहा है आपको, क्या एरर है,
protected formula. This cell contain the formula and not log4 protect it from the beginning of chain. मतलब कि प्रोटेक्शन से बाहर अनलॉक कर दिया गया इसको, ये देखा रहा है. ओके वो भी एरर मानते हैं सर. एरर जरूरी नहीं कि फॉर्म आपका जो है फॉर्मूला का एरर है, ये भी तो एरर ही है ना. तो ये आपका आता है. फिर आता है एवलेट फॉर्मूला, ये तो बार बार मैंने यूज किया हुआ है. इसे देखते हैं कि आपकी फॉर्मूला किस तरीके से परफॉर्म कर रही है. राइट सर. उसके बाद आता है वॉच नाउ. वॉच नाउ में क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको डेटा को ऑडिट कर रहे हैं. अब मुझे लगा कि ये जो है इस पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है. बहुत सारे इसको हाइड कर देते हैं, सॉरी हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन फिर हाईलाइट उनको जाने में दिक्कत होता है, फिल्टर लगाना पड़ जाता है. तो वॉच विंडो में आप इसको ऐड कर लीजिए. ऐड हो गया. अब जैसे जैसे देखते जाइए, और जैसे ऑडिट प्रोग्राम लोग करते थे इसका यूज करते थे, वॉच विंडो में ऐड कर लिया. बाद में मुझे अगर उस लोकेशन पे आना है तो बस इस पर डबल क्लिक करना है, मुझे उस लोकेशन पे हम पहुंच जाएंगे. तो एक क्विक लिंक जो है आप बना सकते हैं वॉच विंडो से इस फाइल या किसी और फाइल के लिए. अब मैं इस सीट को डिलीट कर देता हूं या दूसरे सीट पर आ जाता हूं. अब जैसे कि मान लीजिए कि 20 है और 30 है. अगर मैं 20 को 30 में प्लस करता हूं और जैसे मैं 30 को मान लीजिए चेंज किया तो मेरा रिजल्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैलकुलेशन ऑप्शन में हमारा ऑटोमेटिक क्लिक है. तो कैलकुलेशन ऑप्शन में हमारा ऑटोमेटिक क्लिक है, इसलिए ऐसा हो रहा है. समझ गए. लेकिन इसी को मैनुअल कर दूंगा तो क्या होगा कि मैं 90 करूंगा फिर भी ये चेंज नहीं हुआ. यहाँ कैलकुलेट का ऑप्शन आ गया, मैं जब क्लिक करूंगा तो कैलकुलेट होगा. या फिर कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करूंगा या कैलकुलेट शीट पे क्लिक करूंगा तब जाके कैलकुलेट होगा. रिफ्रेश से भी हो जाएगा सर, रिफ्रेश करने के. तो अब ऐसा यूज क्यों करते हैं ऐसा. जैसे कि आपने भी देखा कि इतना बड़ा डेटा है और भी बहुत ज्यादा डेटा हो सकते हैं. जब किसी भी एंट्री करते हैं तो कैलकुलेशन परसेंटेज करके हर एंट्री में कुछ सेकेंड्स या मिनट के लिए वो पीसी को हैंग कर देता है, एक्सेल को हैंग कर देता है. जब बड़े बड़े फाइलों पर काम करेंगे तो ऐसा होता है. तो डेटा एंट्री करते समय ऐसी प्रॉब्लम होती है. तो हम क्या करते हैं कि हम पहले डेटा मैनुअल कर लेते हैं, डेटा एंट्री कर लेते हैं. जब कैलकुलेशन हमारा सही हो जाता है उसके बाद फिर हम जब हमारा एंट्री हो जाती है फिर हम कैलकुलेशन चेक करने के लिए उसको कैलकुलेट नाउ कर देते हैं या कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर देते हैं. समझ गए. तो एक कैलकुलेशन का ऑप्शन है. तो फॉर्मूला मेनू बार में हमने मोस्टली सारे चीजें खत्म कर दी है. हमने अपने हिसाब से जो फॉर्मूला सीखना चाहिए था हमने फॉर्मूला को सीख लिया. हमने फंक्शंस यहाँ पे नेम मैनेजर को सीखा, फॉर्मूला ऑडिटिंग को सीखा, और फिर हमने कैलकुलेशन को सीख लिया. इसी कोई डाउट है. तो हमने फाइल मेनू को कर लिया, हमने होम को कर लिया, हमने इंसर्ट को कर लिया, हमने पेज लेआउट कर लिया. एक बार अपने हिसाब से सबको एनालाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है. अगर दिक्कत होगा, कोई ऐसा ऑप्शन जो मैंने ना पढ़ाया हो या आप सही से ना पढ़ पाए हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. पेज लेआउट शायद हम मिस कर गए, मैं मिस कर गया. मैं पेज लेआउट में बताया तो कोई बड़ी चीज नहीं, सिंपल सी व्यू ओवरव्यू कर सकते हैं. तो नहीं, सिंपल सी चीज है. पेज लेआउट क्या, सबसे पहले यहाँ पे थीम होता है. आप अपनी सीट का थीम बदल सकते हो कि डिफॉल्ट कलर क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होना चाहिए, वो थीम आप चेंज कर सकते हो. उसके बाद आता है जैसे कि पेज की मार्जिन. मान लीजिए अगर इसको पेज को प्रिंट आउट लेने जा रहे हो तो इसकी मार्जिन सेट करना होगा ना, कितना मार्जिन होगा. तो यहाँ मार्जिन कर सकते, या फिर यहाँ कस्टम पे किया गया है, कस्टम पे जाके उसने डिसाइड किया हुआ है. आप यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे ये सेट कर सकते हैं कि टॉप पे कितना होगा, बॉटम पे कितना होगा, हेडर कितना होगा, फुटर कितना होगा, ये डिसाइड कर सकते हैं. तो जनरली ये यहाँ पे नैरो होता है,
सर तो आप इसको नैरो ले सकते हैं, नॉर्मल होता है नैरो ले सकते हैं, या फिर खुद की जो है कस्टम मार्जिन में जाके खुद की मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन फेज की जो प्रिंट आउट निकालेंगे, पोर्ट्रेट निकालेंगे, लैंडस्केप निकालेंगे, वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज की साइज यहाँ पे है, कौन सा पेज होगा, लेटर होगा, लीगल होगा, A4 होगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या कोई एम्बलम वगैरह है तो आप ले सकते हैं। प्रिंट एरिया, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ तो यहाँ प्रिंट में आप देखेंगे कि दूसरे पेज पे प्रिंट में नहीं है, यहाँ इस चीज पे नहीं है, नहीं है ना? नहीं सर, मतलब कि इसने यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली एरिया को प्रिंट एरिया सेट कर लिया है, मतलब इससे बाहर के एरिया को प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ से सेट प्रिंट एरिया सिलेक्ट कीजिए, मान लीजिए मुझे सिर्फ ऊपर का ही चाहिए यहाँ पे, इसको आप सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं, तो इतना एरिया प्रिंट में आएगा, इससे बाहर का नीचे का एरिया प्रिंट में नहीं आएगा। जी जैसे आप प्रिंट, अभी हम प्रिंट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा प्रिंट पेज पे आ रहा है। मैं चाहता हूं कि जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये एक अलग पेज पे आए और इसके नीचे बाकी पेजों पे आए। होता है ना कि आपने सभी पहले सीट पहले के लिए एक पेज निकाल लिया, कवर लेटर इसको बोलते हैं, हाँ नहीं, यहाँ से आप एक इंसर्ट पेज ब्रेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पेज ब्रेक ऐड कर लिया। अब क्या होगा कि पहले पेज पे हमारा यही प्रिंट होगा एंड दूसरे पेज पे जो है मेरा बुरा बुरा डिटेल प्रिंट होगा। अब आप हटाना चाहते हैं पेज ब्रेक, तो आप इसको सिलेक्ट करके रिमूव पेज ब्रेक कर सकते हैं। बैकग्राउंड जैसे कि अभी हालांकि प्रिंटेबल नहीं होता है, बैकग्राउंड में कुछ भी आप कोई पिक्चर पिक्चर वगैरह रखना है तो रख सकते हो, लेकिन वो सिर्फ विजुअल ही होता है, वो प्रिंट में नहीं आता है, कोई फोटो वगैरह लोगो वगैरह वाटरमार्क वगैरह, वाटरमार्क प्रिंट में नहीं आया, वाटरमार्क इसमें नहीं होता सर, वाटरमार्क वर्ड में होता है। अब आता है प्रिंट टाइटल, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जब प्रिंट हुआ तो ये हेडिंग दिख रहा है आपको, नेक्स्ट yes. करते हैं तो नेक्स्ट में भी हमारा हेडिंग दिख रहा है, फर्स्ट रो को रिपीट किया हुआ है, हाँ उसने फर्स्ट रो को रिपीट किया हुआ है प्रिंट टाइटल से, यहाँ प्रिंट टाइटल कर दिया हुआ है yes. तो को रिपीट करेगा। अब इसमें कुछ चीजें और भी है, जैसे ग्रिड लाइन होता है, जो लाइनिंग होती है उसको प्रिंट करना है, जी यहाँ पे लाइनिंग नहीं है ना, प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे लाइनिंग नहीं है कोई, तो मैं अगर ग्रिड लाइन में यहाँ से भी प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा कि अब ये इसमें लाइनिंग आ जाएगी, बाकी कलर्ड है इसमें लाइनिंग नहीं आई है ना, कलर नहीं रहता तो लाइनिंग आया, जैसे बाहर जहां जहां कलर नहीं है वहां लाइनिंग है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, इसमें एक चीज और है, यहाँ सॉरी प्रिंट टाइटल में देख लीजिए, यहाँ आता है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है, तो आप यहीं पे सिलेक्ट कर सकते, ओके कर दीजिए, अब आपका जो प्रिंट होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा। देखे आ गया सर ब्लैक एंड व्हाइट, कलर हटते ही लाइनिंग आ गई ना आपकी सर, ठीक है, मैं लाइन पे प्रिंट किया हुआ है। उसके बाद प्रिंट टाइटल पे आते हैं आप, तो यहाँ पे ड्राफ्ट क्वालिटी करना है और रो एंड कॉलम जो दिख रहा है ABCD इसको भी प्रिंट करना है। और प्रिंट कैसे करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ना कि आप ये तो जो सिंगल एक विड्थ एक ही पेज पे है, मान लीजिए विड्थ दो पेज पे होता तो कैसे प्रिंट करता, उसके लिए यहाँ पे दिया गया। ओके दूसरी चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो विड्थ होता है, मतलब कि हमारे जो हेडिंग्स होते हैं वो एक पेज पे नहीं आते, हम उसको सेट करते हैं फिर भी नहीं आते, तो आप यहाँ से चेंज कर दीजिए कि वन पेज, ऑटोमेटिक उसको विड्थ को वन पेज पे आ जाएगा। हाइट चाहते होते हैं कि जो हाइट है वो कितने पेज में होना चाहिए, आप चाहते हैं तीन पेज पे नहीं दो पेज पे ही प्रिंट हो, तो यहाँ आप अपना दो पेज सेलेक्ट कर देंगे तो दो पेज पे ही प्रिंट हो। ओके बाकी सब इसके लिए है, क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट है सैप्स की, ये सैप्स अगर आपका ऊपर नीचे आगे पीछे हो तो उसका यूज कर सकते हैं। प्रिंट की बात करें, हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन है, सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज है कि आप इसकी कितने कॉपी निकालना चाहते हो, यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका प्रिंटर क्या होना चाहिए, और प्रिंटर की प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हो तो प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज आपके यहाँ आ जाएगा।
ठीक है, कि प्रिंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे पेपर हमने प्लेन लगाया हुआ है, ऑटो सेलेक्ट हो, लेटर साइज है हमारा, ठीक है ना। तो जो प्रिंटर की सेटिंग होती है वो प्रिंटर की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप फिक्स करना चाहते हो बूथ साइज, तो बूथ साइज जो है प्रिंट ऑटोमेटिक करेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो बूथ साइज एक के पीछे करेगा, लेकिन प्रिंटर उसके लिए सपोर्टेबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट आपको एक्टिव शीट करना है या फिर इंटायर वर्क को, या जो सिलेक्ट किया हुआ है एरिया उसी को प्रिंट करना है। तीन ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रिंट वन साइड करना है या बोथ साइड करना है, मतलब आगे पीछे भी करना है कि एक ही साइड करना है, बट प्रिंटर कंफर्टेबल होना चाहिए तो सिलेक्ट कर पाएंगे, हर प्रिंटर पर फैसिलिटी होती है। दूसरा कोलेज, जैसे मान लीजिए कि एक इतने पेज है, दो पेज का है और मैंने पांच कॉपी निकालना है, तो कोलेट में अगर हम एक कोलेटेड में किया तो क्या होगा, पहले दो कॉपी निकालेगा, फिर दो कॉपी, मतलब वन टू पेज, वन टू, फिर वन टू, ऐसे पांच बार प्रिंट करेगा। यहाँ पे अनकोलेटेड कर दिया तो क्या होगा, पहले एक पेज नंबर एक की पांच कॉपी निकालेगा, फिर पेज नंबर टू की पांच कॉपी निकालेगा, फिर आपको उसको कोलेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बड़े मान लीजिए 200-500 पेजेस की होती है, तो उस केस में हम यहाँ पे कोलेटेड यूज करते हैं। यहाँ पे लैंडस्केप एयरपोर्टेड, तो वहां भी ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन, कस्टम स्केलिंग क्या होना चाहिए, नो स्केलिंग, फिट टू शीट वन पेज, फिट टू ऑल कॉलम इन वन पेज, फिट टू ऑल रोज वन पेज, यहाँ पे आप स्केलिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मार्जिन है, हीडर फुटर में क्या डालना है वो डाल सकते हो शीट से आपके, तो यहाँ से इसका सेटअप कर सकते। तो पेज लेआउट समझ में आ गया? जी सर, जी सर, ठीक है। तो कल से हम डेटा मेनू बार को चलेंगे और कल से हम बात करेंगे इंपोर्ट, डेटा को इंपोर्ट कैसे करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स, मतलब कि किसी और डेटाबेस या एक्सेल को एक्सेल से कैसे लिंक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक्सेल की फाइल है और उस एक्सेल को फाइल को मैं दूसरे एक्सेल की फाइल के साथ लिंक करना चाहता हूँ, जैसे डेटा पिवट की बात कर लेते हैं। तो लिंक करने के लिए हमने आपको दो तरीके अभी तक सिखाए थे। पहला तरीका था कि आप जो है इक्वल प्रेस कर लें, जैसे मान लीजिए डेटा है हमारा, मुझे इसी को लिंक करना है, एक तरीका तो मैंने आपको समझाया था कि हम यहां इक्वल प्रेस करेंगे और जिससे लिंक करना है उसको सिलेक्ट कर देंगे, कि इसमें अगर आगे ड्रैग करते हैं तो इसमें दिक्कत ये होती है कि आपको यहां से सबसे पहले डॉलर साइन हटाना पड़ेगा, इसको आगे पीछे आपको ड्रैग कर सकते हैं। तो लेकिन अगर बहुत बड़ा फाइल है तो काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा ये, और जैसे आपके डेटा अगर घटता है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और अगर बढ़ता है तो यहाँ पे आपको नीचे ड्रैग करने पड़ेंगे। सो ये दिक्कत है। अब दूसरी चीज है कि आपको कॉपी पेस्ट ड्रैग करने में दिक्कत होती है, कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो सेम वही चीज होती है, पेस्ट एज ए लिंक अगर करते हैं तो सेम चीज वही होती है। अब हम बात करते हैं कुछ और तरीके, ऐसा तरीका जिसमें हम इजीली उसको इंपोर्ट कर लें और मेरे एक्सेल फाइल से वो लिंक भी हो। जैसे अगर फाइल वन में चेंज हो, मतलब सोर्स पर चेंज हो, तो हमारा डेस्टिनेशन अपने आप चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स के मीडियम, जैसे हम डेटा मेनू बार में जाते हैं तो यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा आता है, तो इसमें मैं गेट डेटा पे जाता हूँ, फ्रॉम फाइल एक्सेल वर्कबुक, ऐसे से बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फाइल टाइप्स हैं, बट फिलहाल अभी हम एक्सेल से एक्सेल को लिंक कर रहे हैं। तो फ्रॉम फाइल में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट कर लिया,
अब मुझे यहाँ पे आपको लोकेशन बताना है कि किसका डेटा लेना है। मैंने बोला डेटा बी जो है इसको लेना है एंड अब यहां पे हम वेट करेंगे, ये सीट्स पूछेगा हमसे क्योंकि इसमें जितने भी सीट्स हैं सारे सीट्स आपको दिखा रहा है कि किस सीट का डेटा आपको लेना है, या टेबल है तो टेबल को भी यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको किस टेबल का डेटा चाहिए। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर मैंने लोड कर दिया तो लोड करते ही पूरा का पूरा डेटा जैसा है वैसा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म भी था, मतलब चेंजिंग करना। मान लीजिए कि मुझे इस डेटा में कुछ चेंजिंग करना है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये दो कॉलम जो है मुझे नहीं चाहिए, ये दो कॉलम नहीं चाहिए, तो कैसे करेंगे हम? तो जैसे ट्रांसफॉर्म, आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो वो आपका पावर क्यूरी में चला जाता, या फिर राइट क्लिक करके आप यहीं पे प्रॉपर्टीज में आए, प्रॉपर्टी से माफ कीजिएगा, एडिट क्यूरी पे आइए, एडिट पे ये आपका पावर क्यूरी खोल देगा। ध्यान रखिएगा 2013, 16 और 19 में ही है, उससे लोअर वर्जन में चीजें नहीं है। पावर क्यूरी आ गया तो हमने बोला कि दो कॉलम नहीं चाहिए, इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूं। अब यहाँ पे आप लोग डरना नहीं है कि मैं अगर डिलीट कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, तो क्या मेरा ओरिजिनल फाइल से भी गायब हो जाएगा? जी नहीं, ये आपको ओरिजिनल फाइल खुला ही नहीं है, ये जस्ट कॉपीड है एंड लोड एंड क्लोज कर देता हूं। इसमें और भी बहुत सारे कैलकुलेशन भी हो सकता है जो कि हम आगे की क्लासेस में समझाएंगे। अब इसमें जैसे ही हमारा ओरिजिनल डेटा अपडेट होगा मैं राइट क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, यहां पे मेरा डेटा अपडेट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं खुद ब खुद रिफ्रेश ना करूं तो राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज पे आ जाइए, यहाँ पे आपका रिफ्रेश विंडो ओपन फाइल या बहुत बार डेटा हमारा गूगल ड्राइव और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से होता है जो कि हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिफ्रेश होते रहता है या डेटा अपडेट होते रहता है, ये चीज हम यहाँ कर सकते। डेफिनेशंस में यहाँ पे आपको दिख जाता है कि क्या प्रोवाइडर है, एसक्यूएल क्वेरी लगी हुई है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते ताकि एमएस क्यूरी में हम चेंजिंग करेंगे जो कि हम आगे की क्लासेस में आपको बताएंगे। तो ये समझ गया आपने एक्सेल टू एक्सेल को कैसे लिंक करेंगे? हेलो सर, ये फाइल ऑटो अपडेट रहेगा? जैसे हम अगर दूसरी फाइल जो मास्टर फाइल है वो उसको अपडेट करेंगे तो ऑटो अपडेट रहेगा? जी हाँ जरूर। और सर इसका अगर लोकेशन जो मेन बेसिक फाइल है उसका लोकेशन चेंज भी होता रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी नहीं, राइट जी नहीं, लोकेशन चेंज होगा तो आपको प्रॉपर्टी में जाकर इसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी आपको। ओके, लोकेशन चेंज कर देंगे तो हाँ डेटा एक बार जो दिख रहा है वो दिखेगा, लोकेशन चेंज होने पे वो अपडेट नहीं होगा। जैसे कि आपने एक्सटर्नल पिवट टेबल किया था ना, सेम चीज मुझे यहाँ पर है। ओके ठीक है सर। अब क्वेश्चन यह आता है कि एक फाइल में डेटा मेरे पास तो है लेकिन मुझे उस फाइल में दो तीन डेटा है, तो क्या मैं दोनों को मर्ज कर सकता हूँ? तो मर्ज में दो चीजें हैं, इसको समझ लीजिए पहले आप। जैसे कि दो तरह का डेटा है, मान लीजिए मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे हमारा वन है, डेटा वन है, और यहाँ पे मान लीजिए डेटा टू है हमारे पास। इसमें क्या है हमारा कि यहाँ पे मैं एस आई डी में छोटा डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, डेट नेम सिटी पीआईडी और यहाँ पे क्वांटिटी है सर। छोटा सा डेटा हमने बनाया हुआ है, मैं बना देता हूँ
ये जरूरी नहीं है कि एक ही फाइल पे दोनों डेटा हो, एक ही सीट पे, अलग अलग सीट भी हो सकते हैं। और डेटा वन में हमारे पास यहाँ पीआईडी, पीआईडी का नेम एंड एमआरपी। मैं यहां इसके प्राइजेस लिख देता हूं। मैं इस फाइल को सेव करता हूं। डॉक्यूमेंट में ही मैंने सेव कर दिया ईएक्स डेटा फाइल आऊंगा। अब मैं इस फाइल को क्लोज करता हूं। अब मुझे इस फाइल को, जो फाइल है हमारा, वो फाइल का डेटा चाहिए हमें, इस पे लिंक करना है हमें। तो हम यहाँ डेटा मेनू बार में आएंगे, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे हम एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लोकेशन में आते हैं, अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, ऐड इंपोर्ट। अब जैसे कि मेरे पास डेटा वन है और डेटा टू है। अब देखेंगे कि डेटा टू में मेरे पास सिर्फ पीआईडी है और क्वांटिटी है, मतलब कि प्रोडक्ट का कोड सिर्फ है, उसकी उसकी एमआरपी नहीं है, प्रोडक्ट का नेम नहीं है, प्रोडक्ट डिटेल्स आपका डेटा वन में है। हम चाहते हैं कि जैसे हम जैसे जनरली वी लुकअप लगाते हैं ना, कि हाँ वी लुकअप लगाते हैं और पीआईडी के अकॉर्डिंग में नेम और सिटी लेके आ जाते हैं। ये काम मैं एक्सेल फाइल पे नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहीं पे हो जाए। तो क्या करना है हमें, पहले जैसे एक बार हम एक ही ले सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल को हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम दिख रहा है ना आपको, इस पे क्लिक करके दोनों शीट को क्लिक कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम लोड नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे लोड टू। क्या करेंगे, लोड टू। लोड टू इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ डेटा कनेक्शन करना है, हमें डेटा डाउनलोड नहीं करना है। हमने यहाँ पे बोल दिया ओनली क्रिएट कनेक्शन, राइट, एंड ओके कर दिया। अब बोलेंगे सर कनेक्शन क्रिएट कर दिया, डेटा तो आया नहीं, डेटा ही लाना है। डेटा भी आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करें, बस ये वेट लोड हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आप। उसके बाद हम डेटा मेनू बार में आएंगे। डेटा मेनू बार में आने के बाद आपको एक मिनट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये पहले से बना हुआ है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। जरूरी नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया, ऐसी कंफ्यूजन ना हो। मेरे पास डेटा वन एंड डेटा टू है, ओके। तो इसमें देखिए, यहाँ डेटा वन में आता हूँ, इसमें देखिए हमारे सामने दिख रहा है मर्ज, राइट क्लिक करते दिखा आपको मर्ज, हमने मर्ज पे क्लिक कर, मर्ज पे क्लिक करने के बाद आप देखिए मेरे पास यहाँ डेटा टू है, और यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी डेटा हमारा डेटा टू है, सेकेंडरी डेटा में हमने डेटा वन को ले लिया। अब मैं इसकी पीआईडी को सिलेक्ट किया और इसकी पीआईडी को सिलेक्ट किया, मतलब बताने के लिए कि ये दोनों आपस में रिलेट है। और ज्वाइन काइन क्या है, लेफ्ट आउट, मतलब आप यहाँ पे लिखा ऑल फर्स्ट एंड मैचिंग सेकेंड, दिख रहा है सर आपको, मतलब डेटा टू के तो सब कुछ आएगा और डेटा वन का वही आएगा जो डेटा टू में मैच कर रहा है, क्लियर है। एंड ओके पे हमने क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपके सारे डिटेल्स जो है दिख रहा होगा। अब यहां पे टेबल आ गया, डी वन का टेबल आ गया। तो यहां इस पे क्लिक करके आपको बताना होगा कि इसमें से कौन कौन डेटा हमें चाहिए। हमें पीआईडी नहीं चाहिए क्योंकि पीआईडी तो ऑलरेडी इसमें है, मुझे इसका नेम एंड एमआरपी चाहिए, हमने इसको ओके कर दिया। तो देखिए नेम एंड एमआरपी आ गया। तो आप इसको अपने हिसाब से मूव भी करना चाहते हो, तो मैंने उसको उठा के नेम के बगल में रख दिया, क्वांटिटी एमआरपी।
अब मैं इसमें एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूं पिवट में ही कि क्वांटिटी और एमआरपी को मल्टीप्लाई होके हमें एक अमाउंट निकल जाए, जैसे कि हम पिवट टेबल में करते थे, तो यहां भी अभी कर सकते हैं। अभी जो हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम बैक पावर क्वेरी की बैकएंड में कर रहे हैं, हमारा जो ओरिजिनल फाइल है एक्सेल डेटा उसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम पे आता हूं मैं, कस्टम कॉलम में यहाँ अमाउंट हेडिंग दे देता हूँ। जैसे हमने आपको पिवट टेबल में कैलकुलेशन की थी वही कैलकुलेशन यहाँ करना है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखना चाहिए एंड हमने इसको ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे अमाउंट आ गया। इसी तरह से आप जो है बाकी जो फॉर्मुलेज है बाकी जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। लास्ट होम पे आएंगे लोड एंड क्लोज। अब इसमें आपको पूछेगा कि आपको डेटा किस फॉर्म डेटा फॉर्म में आपका डेटा आ गया। लोड टू अगर करते हैं तो आप पिवट टेबल के फॉर्म में चाहिए या नॉर्मल फॉर्म में चाहिए वो आप लगा सकते हैं। क्लियर है सर? हाँ जी सर। इसमें स्लाइसर भी ऐड कर सकते हैं, नेम है, सिटी है और यहाँ पे डी वन मतलब नेम है। ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपके स्लाइसर्स भी वर्क करेंगे, दोनों डेटा टेबल के वर्क करेंगे। अब दो डेटा था, अगर दो अलग अलग फाइल होते तो भी आप इसका यूज कर सकते थे। बस यही होता है कि दो अलग अलग फाइल होते तो आपको दो बार कनेक्शन क्रिएट करना होता है। हमने एक बार कर लिया था ना, आप कैसे दो बार कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता। इसमें कोई डाउट आपको? हेलो नहीं सर, बस वो बता दीजिए दो बार कनेक्शन कैसे क्रिएट करना था। जैसे कि जैसे दो अलग अलग फाइल होती तो आप क्या करते, डेटा मेनू में जाते, गेट फ्रॉम डेटा फाइल वर्कबुक, एक बार पहले फाइल को सिलेक्ट करते और क्रिएट कर लोड टू में जाके क्रिएट कनेक्शन करते। हमने पहले फाइल को सिलेक्ट किया, इम्पोर्ट किया, हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ लोड टू पे आ गए और हम सिर्फ क्रिएट कनेक्शन करेंगे यहाँ पे, ओनली क्रिएट कनेक्शन। ठीक है सर जी। फिर इसके बाद फिर दोबारा हम क्या करते हैं, दोबारा सेम काम करते हैं और फिर कनेक्शन क्रिएट कनेक्शन करते हैं। समझे? फिर फाइल को सिलेक्ट करते हैं और सेम चीज करते, उसके बाद किसी एक पे राइट क्लिक करके मर्ज कर देते। सर इसमें जो हमने जो मास्टर फाइल रहेगी अपडेशन हमारा उसी में रहेगा, मास्टर फाइल में रहेगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये एक तरीके से टॉप शीट हो गया आपका, इसमें मतलब जो भी डिटेल्स समझ जी हाँ। कभी कभी क्या होता है जो हमारी मास्टर फाइल होती है बहुत बड़ी होती है और उसमें से कुछ अभी से इसमें एक चीज और भी है, जैसे कि ये चीज तो कर लिया पर प्रॉब्लम है कि आपके मास्टर फाइल में बहुत बड़ा डेटा है, जब उस डेटा का आप ओपन करते हैं तो बहुत टाइम लेता है। वो डेटा जो है पैन इंडिया का है, बट आपको पैन इंडिया से मतलब नहीं है, आपको डेटा जो है मान लीजिए जो आपकी सिटी दिल्ली है या मान लीजिए जयपुर है, जो सिटी है आप उसी सिटी का डेटा पे काम करते हैं। बात समझे कि नहीं सर? ये सर कि मैं दिल्ली पे काम करता हूँ तो दिल्ली का डेटा ही चाहिए, तो मुझे उस मास्टर फाइल से ओवरऑल डेटा नहीं सिर्फ दिल्ली का डेटा चाहिए, मतलब मैं डेटा वहां से इंपोर्ट करके फिल्टर करके डिलीट करना नहीं चाहता हूं, मैं फिल्टर डेटा को ही यहाँ इंपोर्ट करना चाहता हूं। प्रॉब्लम तो आपको क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है, जहां पे आपने कैलकुलेशन किया था, याद है जहां आपने कैलकुलेशन किया था उसी में जाइए और सिटी में या जिस फील्ड में है आप फिल्टर लगा दीजिए। बैकएंड में हमने यहाँ पे दिल्ली फिल्टर लगा दिया एंड ओके कर दिया, यहाँ दिल्ली डेटा शो कर रहा है, लोड एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया, अब मेरे पास जो है दिल्ली का ही डेटा है। समझ गए? जी सर। अभी हमने जैसे उसमें हमें एक बेसिक फाइल है हमारी, दूसरी फाइल है जहाँ पे पीआईआर को हमने मैनेज किया था, वहाँ पे डबल दो फील्ड पे लगा सकते हैं सर हम कनेक्शन
लाइक फर्स्ट पीआईडी और सेकंड सीटी सीआईडी एसआईडी? नहीं ओनली वन, एक डेटा में एक ही यूनिक आईडी होता है ना, एक साथ तीन डेटा है तो तीन डेटा भी यूज करेंगे इसको। एक बार आपने एमसे ट्राई कीजिएगा तब समझना है। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आज आप ट्राई कर लीजिए फिर कल परसों डिटेल में जाए। इसको बोलते हैं पावर क्वेरी। अब एक क्यूरी, अब मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं। तो जी मेरे पास एक और डेटा है, डेटा वन एंड डेटा टू। इसमें मैं थ्री कर देता हूँ, थ्री डेटा है मेरे पास, राइट। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि ये जो है यहाँ पे हमारा नेम और टेन वाइज डेटा है, मतलब मुझे डेटा तीन मेरे तीन डिफरेंट ऑफिस से आया है। डेटा जो है तीन डिफरेंट कॉपी किया, यहां पेज करता हूं और यहां पेज करता हूं, तो तीन डिफरेंट ऑफिस का डेटा है मेरे पास। ये तीन डिफरेंट फाइल में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं फिलहाल एक सीट पे रख दिया ताकि फाइल बचा सकूं मैं। और यहां पे मैं केपी डेटा के नाम से सेव कर देता हूं, अपेंड डेटा माय डॉक्यूमेंट। मुझे जो ये डेटा चाहिए इस सीट पे, तो मैं इस बार क्या करना चाहता हूं कि मेरा डेटा जो है एक के नीचे कॉपी पेस्ट, क्योंकि मेरा डेटा अब रिलेशन नहीं है, मतलब मुझे दूसरे फाइल से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लुकअप नहीं करनी, मुझे पूरी डेटा को एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो उस केस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं एक्सेल टू एक्सेल में। तो यहां हम फ्रॉम फाइल पे आते हैं, तो यहां पे हम फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा अभी क्या है कि एक ही फाइल में तीन सीट से, अगर तीन अलग अलग फाइल हुआ तो ये आपको तीन अलग अलग कनेक्शंस करने पड़ेंगे। तीनों को सिलेक्ट किया और मैं यहां लोड मत कीजिए वरना तीनों डेटा आ जाएगा, हम यहां लोड टू करना है। लोड टू में हम सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, डेटा तो हम अपेंड क्यूरी के जरिए लाएंगे ना, तीनों को मर्ज करके इन अलग अलग डेटा ला देंगे तो फिर चार डेटा सीट हो जाएगी ना सर। यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शंस एंड ओके कर दिया। अब कनेक्शंस क्रिएट हो रहा है, दो में रुक जाएंगे, हो गया 32 रो आ गया। अब मैं किसी एक पे जाऊंगा और लिखूंगा अपेंड क्यूरी, अपेंड क्यूरी है। यहाँ पे दिख रहा है टू टेबल्स, मतलब कि दो टेबल के बीच में है या मोर थ्री एंड मोर टेबल थ्री के बीच में। तो प्राइमरी टेबल हमारा कौन सा है, D1। टेबल टू हमने इसके नीचे ऐड कर दिया, टेबल थ्री हमने इसके नीचे ऐड कर दिया। लेकिन इस चीज का ध्यान रखे तीनों में सेम कॉलम होना चाहिए एंड ओके। आ गया सर यहां पे तीनों डेटा। अब यहां पे लोड एंड क्लोज कर लीजिए। पिवट चाहिए तो वहां पे आप लोड टू कर लीजिए, वहां पे पिवट टेबल का ऑप्शन आ जाता है। कंबाइन हो गया। तो इसका इस्तेमाल भी आप अपने ऑफिस में कर सकते हो। ये तो कनेक्शन हमने क्रिएट, आपको जो भी कनेक्शन दिखाए वो कनेक्शन दिखाए एक्सेल टू एक्सेल के बीच में, राइट। इसका यूज हम कर सकते हैं मल्टीपल फाइल्स को एक सीट में कंबाइन कर लेना, लेकिन याद रखिएगा इसका यूज जो है हम तब करते हैं जब हमारा डेटा अपडेट होते रहता है। अगर आपके पास 10-20 फाइलें हैं तो उसमें करना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ उसमें मुश्किल नहीं है, उसके लिए हमारे पास फॉर्म फोल्डर का पार्ट है जो कि हम कल की क्लासेस में समझाएंगे।
तो कल की क्लासेस में हम आपको मार्क्स टेक्स्ट के जरिए डेटा लेना और आपको डेटा लेना पीडीएफ के जरिए और डेटा लेना फॉर्म फोल्डर के जरिए हम आपको सिखाएंगे अगली क्लास में। और उसके बाद हम फॉर्म वेब से भी डेटा कैसे लेके आएंगे ये हम अगली क्लास में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लासेस की वीडियोज में यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।